अब मैं इनवाइट करना चाहूंगा अपने निदेशक महोदय को, डॉक्टर हिमांशु दास सर को। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि डॉक्टर हिमांशु दास सर के गाइडेंस में हम लोग ये सारा के सारे वेबिनार्स और प्रोग्राम्स कर रहे हैं। उसका कारण ये है कि सर के द्वारा जो डायरेक्शन दी गई थी कि किस तरह से हम अपने बच्चों को इस लॉकडाउन के पीरियड में पढ़ा सकते हैं, जो टॉपिक्स हैं, जो सिलेबस है, उसे किस तरह से कवर कर सकते हैं, और ये टॉपिक्स और सिलेबस के जो होगा, जो हमारे एक्सपर्ट्स अलग अलग जगह पर बैठे हुए हैं, ऑल ओवर इंडिया में अलग अलग पार्ट्स में बैठे हुए हैं, उनके द्वारा हम उनके कैसे हेल्प ले सकते हैं। और जो भी हम लोग ये वेबिनार कर रहे हैं, इसका एक प्रेजेंटेशन यूट्यूब लिंक पर हमारी वेबसाइट पर होगा। इनकेस अगर कोई हमारे साथ डायरेक्ट कनेक्ट नहीं हो पाता है या लाइव नहीं हो पाता है, तो वहां पर जाकर भी इस लेक्चर को एक्सप्लोर कर सकता है। अब मैं अपने डायरेक्टर साहब डॉक्टर हिमांशु दास सर से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि प्लीज सर आए और हमारे कुछ पार्टिसिपेंट्स को अपने कुछ शब्द कहें। सर डॉक्टर हिमांशु दास सर। नमस्कार विनोद जी, सर डॉक्टर विनोद नमस्कार सर। जी बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी ये मुहिम मुझे लगता है दिन ब दिन पॉपुलर होते जा रही है। आगे आने वाले दिनों में आप उम्मीद करेंगे पूरे देश के सारे बीएड एमएड और कुछ डीएड की स्टूडेंट्स भी आपके साथ जुड़ते जाएं, फैकल्टीज भी जुड़ते जाएं, क्योंकि ये आरसीआई के करिकुलम बेस्ड वेबिनार्स हैं। तो मैं इसमें बहुत ज्यादा अपनी एक्सपर्टीज दिखाना नहीं चाहूंगा। हम बहुत सौभाग्यशाली हैं, हमारे साथ जो है देश के बहुत ही सीनियर मोस्ट फैकल्टी डॉक्टर गीतिका माथुर मैडम है, हमारे साथ डॉक्टर सुदीप दुबे साहब है, हमारे पास पंकज पंकज जी है, डॉक्टर पंकज जी है। तो इतने सारे एक्सपर्ट्स आप लोगों के पास है, मुझे लगता नहीं कोई एक टॉपिक के लिए पूरे देश में इतने बड़े बड़े एक्सपर्ट्स को मिलने का सौभाग्य किसी और को नसीब हुआ होगा। तो सारे स्टूडेंट्स के लिए, सारे फैकल्टीज जो देश भर पे अलग अलग जगह पे हैं, उनके लिए ये बहुत ही एक लर्निंग अपॉर्चुनिटी है मैं कहूंगा। और ऐसा अपॉर्चुनिटी का कभी हमें मिस नहीं करना चाहिए। और मैं उम्मीद करूंगा इसका फेसबुक में यूट्यूब में जो भी आप लोग अपलोड करेंगे इसके बाद, क्लास के बाद, ये हमेशा के लिए एक बहुत बड़ी रिसोर्स, लर्निंग रिसोर्स के तौर पे पूरे देश भर इसको यूज कर पाएंगे। हमारे डिप्लोमा फर्स्ट ईयर से लेके मास्टर डिग्री लेवल तक स्टूडेंट्स तक सब लोग इसको बहुत ज्यादा अच्छी तरीके से यूज कर पाएंगे। आगे सभी फैकल्टीज को मैं अभिनंदन करता हूँ, विनोद जी का भी अभिनंदन करता हूँ, और हमारे निकमेट के जो टीम इसके साथ लगे हुए हैं भावना जी, उनको भी मैं अभिनंदन करता हूँ। और उम्मीद है ऐसे प्रोग्राम्स आप लोग लगातार करते रहेंगे, जो स्टूडेंट्स की लॉकडाउन के वजह से, कोविड-19 के वजह से जो भी लॉसेस हुई है टीचर के बगल में नहीं रहने का, मुझे लगता है वेबिनार के जरिए हम चाहे तो ना ही उस लॉस को भरपाई करें, उस लॉस से हम दुगना उनको दे पाए। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सबको पुनः अभिनंदन करता हूँ। नमस्कार। थैंक यू सर, थैंक यू सर। सर थैंक यू वेरी मच सर के वाच्य वचनों के सर बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं डॉक्टर गीतिका माथुर मैम से रिक्वेस्ट करता हूँ कि डॉक्टर गीतिका माथुर मैम प्लीज यू कैन प्रोसीड, और हम लोग सब बड़ी बेसब्री से आपका इंतजार कर रहे हैं। मैम डॉक्टर गीतिका माथुर मैम। We are going to talk about this visual development today. So I am very sure that you all realize ki ye kaise hal hal matlab vision develop kaise hota hai, why is the child not able to see what we all are seeing. So ye hame dekhna hota hai ki this development is happening gradually. So what happens is that from birth till a person becomes an adult, the visual development keeps on happening all the time. जैसे आप लोगों को पता होगा कि अर्लियर में डेवलपमेंट होता है इन द सेंस दैट द कॉर्निया विल डेवलप, द आई बॉल लेंथ विल डेवलप, द सिलेरी मसल्स विल ग्रेजुअली डेवलप, एंड ओवर द एज व्हाट हैपेंस इज दैट लेंस के अंदर डिग्रेडेशन शुरू हो जाता है, मीनिंग देयर बाय दैट द प्रोटीन टूटने लगते हैं, उसकी वजह से ओपेसिटी डेवलप होती है। तो एक तरह से विजन का जो डेवलपमेंट है इट्स अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस, जैसे हमारा बॉडी डेवलप करता है उसी तरह eye being an organ also keeps on developing all the time. So what we see is that there are different ways which our eye is seeing. So what I want to you all to appreciate that there are different things or different functions which the eye is performing, and this we will gradually see how as the child starts gradually becomes like how he does it over the months or over the weeks. तो सबसे पहले हम देखते हैं कि आंख का एक फंक्शन होता है जिसको हम फिक्सेशन कहते हैं।
मीनिंग देयर बाय दैट व्हाटएवर ऑब्जेक्ट वी आर सीइंग और व्हाटएवर थिंग वी आर सीइंग उस पे उसको आंख को बहुत ध्यान से देखना. तो एट बर्थ व्हाट हैपेंस इज दैट अगर हम किसी बच्चे के विजन के फील्ड में अगर हम उसके 8 से 10 इंच के एरिया में उसके फेस के आगे कोई चीज रखते हैं तो इट इज ओनली एट दैट टाइम दैट द चाइल्ड इज एबल टू फिक्सेट. And at the other time, like gradually, at 1 week of age, the red, yellow, green, इस तरह के colors वो देख सकता है. तो आप लोगों ने notice किया होगा कि जो toys होते हैं बहुत brightly colored और बड़े बड़े toys हम बच्चे के vision के अंदर पहले हम introduce करते हैं. यहाँ पर आप देखेंगे कि 6 to 8 weeks के ऊपर आप देखते हैं कि बच्चा जो है वो अपने parent की शक्ल को पहचानना शुरू कर देता है. और आप नोटिस करते हैं कि इसी टाइम पे सोशल स्माइल जो हम कहते हैं कि व्हेन यू गेट टू द चाइल्ड स्माइल्स बैक बैक एट यू तो ये एक बहुत बड़ा माइलस्टोन होता है जिसको हमको बहुत ध्यान में रखना है और हमको इसको कंटिन्यूअसली वॉच करते रहना है. 6 weeks का बच्चा बहुत अच्छा आई का कॉन्टैक्ट बनाता है और अपने पेरेंट के साथ कम्युनिकेट करता है. और ये हमें इसी वक्त नोटिस करना चाहिए कि दैट द चाइल्ड स्टार्ट्स मूविंग हिज लिम्स आल्सो. तो फिजिकल डेवलपमेंट एज वेल एज आई कॉन्टैक्ट आर समथिंग विच आर कमिंग एट द सेम टाइम. हियर यू विल सी दैट हाउ द चाइल्ड इज यू नो डेवलपिंग आई कॉन्टैक्ट. ही इज टॉकिंग टू हिज पेरेंट एंड आई एम हैप्पी टू शेयर दिस इज पिक्चर ऑफ माई सन. सो ही इज टॉकिंग टू हिज फादर. सो दिस इज वॉट द आई कॉन्टैक्ट इज डेवलपिंग. मतलब आप लोगों को समझ में आ रहा है मैं क्या कहना चाह रही हूँ. तो 6 से 8 हफ्ते के बीच में आई कॉन्टैक्ट डेवलप हो जाता है. ये एक विजुअल फंक्शन इतना इम्पोर्टेंट है जिसको हम सबसे बड़ा माइलस्टोन मानते हैं और हमें जरूरी है कि ये तो उसकी वजह से ये माइलस्टोन हमको मिस नहीं करना है. अगर हमें लगता है कि दैट द चाइल्ड इज नॉट मेकिंग एनी आई कॉन्टैक्ट देन इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी make it a point that we are you know looking at this milestone of the child. Aur agar hame aise isme aisa pata chalta hai ki that this is missing to we should contact a medical person ki ye bachcha 6 se 8 hafte ke beech mein aisa kyon ho raha hai ki ye eye contact nahi bana raha ya social smile nahi pass kar raha. Isi period mein ye dekhne ki baat bahut zaruri hai ki that अगर हम ऑडिटरी स्टिमुलस देते हैं तब बच्चा मूव कर रहा है या अपने आप से भी वो 6 से 8 हफ्ते के अंदर पेरेंट के साथ कॉन्टैक्ट मेंटेन कर रहा है. मीनिंग देयर बाय दैट व्हेन देयर इज अ ऑडिटरी स्टिमुलस जब माँ ये बोले या कि हेलो या उसका नाम लेके उसको पुकारे तभी बच्चा माँ की तरफ देखता है. ये बात हमको अप्रिशिएट करनी है. या बिना देखे भी वो बिना ऑडिटरी स्टिमुलस दिए भी अगर बच्चा माँ की तरफ देखता है तो ये जो एक बहुत बड़ा माइलस्टोन है इसको हमको मिस नहीं करना है और हमें हरदम एजुकेट करना है पेरेंट्स को कि 6 to 8 weeks के बीच में दैट मींस द चाइल्ड ऑफ ऑलमोस्ट 2 months शुड बी एबल टू मेक आई कॉन्टैक्ट और शुड बी एबल टू रिस्पॉन्ड टू द पेरेंट्स. एंड आप 8 weeks के ऊपर ही हम देखते हैं कि देर इज अनदर एक्शन विच इज नोन एज शिफ्ट ऑफ गेज. मीनिंग देयर बाय अगर 2 ऑब्जेक्ट हम थोड़ी सी दूरी पे रखते हैं तो बच्चा इस दोनों ऑब्जेक्ट्स को देखता है कि नहीं देखता है ये भी हम तभी तब बच्चे का जो विजुअल जो भी ऑब्जेक्ट आप इंट्रोड्यूस करें वो ये मान के चलें कि वो 8 से 10 इंच के बीच में ही होना चाहिए. बिकॉज इफ यू गोइंग टू टेक इट अवे देन द चाइल्ड विल नॉट बी एबल टू एप्रिशिएट. तो ये जो मूवमेंट्स हैं बच्चे के बहुत जरूरी हैं ये डेवलप होने चाहिए और ये मूवमेंट हमको बाद में पता चलते हैं क्योंकि बच्चा इन्हीं मूवमेंट्स को रीडिंग के लिए काम में लेता है या प्लेइंग के टाइम पे काम में लेता है. तो दीज आर नोन एज सैकेडिक मूवमेंट्स मीनिंग देयर बाय यू शिफ्ट योर गेज फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अदर ऑब्जेक्ट. इस तरह से ये एक अडल्ट की पिक्चर है जिसमें हम देखते हैं कि किस तरह से ये बड़ों में किस तरह से ये मूवमेंट होता है. इसमें हम ने वर्टिकली 2 ऑब्जेक्ट रखे हुए हैं एंड हॉरिजॉन्टली भी रखे हैं. तो यहाँ पर इसमें जो ऑब्जेक्ट का जो आप प्रेजेंटेशन है ये 20 to 30 degrees के दरमियान रख के और हमें देखना है कि ये सैकेडिक मूवमेंट्स होते हैं कि नहीं. ये हम बच्चे में नहीं अप्रिशिएट कर रहे हैं ये हम बड़े के अंदर किस तरह से कर रहे हैं ये मैंने इसमें दिखाया है आपको. दूसरी सैकेडिक मूवमेंट्स के साथ साथ मीनिंग देयर बाय एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट की तरफ आंखों से चीजों को देखना
और उसी के साथ डेवलप करता है बच्चा स्कैनिंग। स्कैनिंग में आप नोटिस करेंगे कि ये एक अपने एनवायरनमेंट को एक्सप्लोर करने के लिए बच्चा ये मूवमेंट करता है। तो ये एक और विजुअल फंक्शन है जिसको हम बहुत हरदम काम में लेते हैं और बहुत ग्रेजुअली वी आर पीपल आर नॉट इवन अवेयर अबाउट इट, क्योंकि हमारा विजन, हम चारों तरफ आंख को घुमा के देख सकते हैं, विजुअल एनवायरनमेंट को स्कैन कर सकते हैं, तो हम पता लगा सकते हैं कि जिस तरह से इसमें से अगर बहुत सारी चीजें होती हैं फैली हुई, तो हम उसमें से जो चीज हमारी पसंद की है हम उसको उठा लेते हैं। आपने नोटिस किया होगा कि व्हेन समबडी ऑफर्स अस अ पैकेट ऑफ स्वीट्स, तो जो हमें बहुत अच्छी लगती है हम उसको उठा लेते हैं। तो वो हम कैसे करते हैं बिना, मतलब इट इज हैपेंस इन अ स्प्लिट ऑफ सेकंड। सो वी वर टॉकिंग अबाउट स्कैन्स एंड वी वर टॉकिंग अबाउट ओके स्कैनिंग, ठीक है। तो हमने देखा कि ये एक और एक्शन है जो हम टोटली कंटिन्यूसली यूज करते हैं। उसी तरह एक और चीज है जिसको हम ट्रैकिंग बोलते हैं, मीनिंग देयर बाय इट इज व्हाट यू सी इज दैट व्हेन द चाइल्ड सीज अ मूविंग ऑब्जेक्ट। तो हम ये वाला जो एक्शन है ये हमारा पूरे दिन पूरे टाइम हम लोग इसको यूज करते हैं, और रियल वर्ल्ड में आपने देखा होगा कि एवरीथिंग इज इन अ मूविंग स्टेट। वी आर इवन फॉर अ लिटिल बिट ऑफ इट्स ओनली लाइक फॉर सम टाइम, दो आई एम टॉकिंग टू यू आई एम ऑल द टाइम यू नो इन अ मूविंग स्टेट। मैं कभी अपने हाथ हिला रही हूँ, कभी मेरी गर्दन हिल रही है। तो ये जो होता है, 4 वीक का जो बच्चा है वो ऑब्जेक्ट को ट्रैक करने लगता है, और ये हमें उसके विजुअल फील्ड में 90 degrees, मीनिंग देयर बाय अगर हम नाक से एक एंगल बनाएं और 90 डिग्री देखें, तो उतने अगर हम उसके फील्ड में मैं इस तरह से अगर जैसे हाथ अपना लंबा करूंगी, तो उस तरह से 90 डिग्री के फील्ड में अगर कोई भी चीज आप इंट्रोड्यूस करेंगे, तो वो बच्चा वहां पर, मतलब वहां से यहां तक अगर आप मूव करेंगे तो बच्चा उसको ट्रैक कर पा सकता है। अब आपने नोटिस किया होगा कि ये ट्रैकिंग क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप एनी काइंड ऑफ ऑब्जेक्ट वी आर फॉलोइंग, लाइक यू आर वॉचिंग अ मैच और यू आर वॉचिंग योर टीचर टीचिंग इन द क्लासरूम, और एज अ चाइल्ड इफ यू आर इवन लुकिंग फॉर एनी काइंड ऑफ योर कंपेनियन, या आप अपना खेलने के टाइम पे आप यूज करते हैं, तो ये सारी चीजें, ट्रैकिंग इज समथिंग विच यू आर कंटिन्यूअसली यूजिंग, एंड इट इज बिकॉज दिस इज द वर्ल्ड वेयर एवरीथिंग इज मूविंग। तो ये एक जो विजुअल फंक्शन है बच्चे का, ये बहुत जल्द एस्टैब्लिश होना चाहिए और हमको उसको नोटिस करना चाहिए। दूसरा अपर एक और फंक्शन जो होता है वो बाइनोक्युलैरिटी होता है, मीनिंग देयर बाय दैट सीइंग बाय विद द हेल्प ऑफ बोथ द आईज। ये जो डेवलपमेंट है ये बहुत धीरे धीरे होता है, और मैं हरदम इस बात को अप्रिशिएट करवाना चाहती हूँ, और ये चाहती हूँ कि आप लोग इस बात को समझें कि एट द एज ऑफ ऑलमोस्ट 5 months The child develops binocularity. Binocularity से हमें समझ में आता है कि जब दोनों आंखों से एक सी इमेज बन के हमारी रिटाइना पे जाती है और हमारा विजुअल कॉर्टेक्स इसको इंटरप्रेट करता है, तो वो हमको डेप्थ परसेप्शन के बारे में बताता है, मीनिंग देयर बाय दैट अगर हम कोई चीज को झुक के लेना चाह रहे हैं तो हमें कितना झुकना पड़ेगा उस चीज को उठाने के लिए, और या हम जैसे स्टेप से नीचे उतर रहे हैं तो हमें ये ध्यान रखना है कि हमारे पैर को कितना नीचे तक हमें करना पड़े, मतलब कितना डेप्थ पे जाना पड़ेगा, सो दैट यू आर एबल टू मूव डाउन। तो ये जो है ये उसी वक्त डेवलप होता है जब बच्चा क्रॉल करना सीखता है। तो जब उसका क्रॉलिंग या बैठने का टाइम होता है, तो ये दो माइलस्टोन्स दोनों साथ साथ आते हैं। इसके अंदर दोनों आंखें कोऑर्डिनेट होके एक साथ मूव करने लगती हैं, और ये इस कोऑर्डिनेशन की वजह से डेप्थ को परसीव करने की एबिलिटी बच्चे में बढ़ती है। यहीं पे अगर इसमें थोड़ा भी मिसमैच होता है तो क्या होता है कि जो आंख से विजन ब्लरी होता है या जो अच्छी इमेज नहीं फॉर्म कर रहा होता, उसको ग्रेजुअली आंख उसको लेना छोड़ देती है, और हम उसको लेजी आई का नाम देते हैं। दैट इज ऑल्सो कंडीशन इज ऑल्सो नोन एज एम्ब्लायोपिया, और ये अभी सुदीप सर जब आपको पढ़ाएंगे तो इसके बारे में आपको और ज्यादा बताएंगे। अगर बाइनोक्युलर विजन अच्छा नहीं डेवलप होता तो आप नोटिस करेंगे कि हमें दिक्कत आती है इन पोरिंग लिक्विड्स, जैसे कप में अगर डालना है, या अगर कोई जैसे कोई भी चीज आपकी तरफ थ्रो करी जाए तो एबिलिटी टू कैच इट और होल्ड इट इज वेरी डिफिकल्ट। इसी तरह कोई भी व्हीकल आपको अप्रोच कर रही है तो इसमें भी आपको दिक्कत आएगी, और साथ में अप एंड डाउन वॉकिंग ऑफ द स्टेयर्स दिस विल बी डिफिकल्ट। सो व्हाट आई वांट टू एम्फसाइज दैट वी हैव टू लर्न टू अप्रिशिएट दीज विजुअल फंक्शंस, ये कौन से टाइम पे आते हैं, ये हमारे विजुअल माइलस्टोन्स
क्यों इम्पोर्टेंट है इसके बारे में हमें हरदम जानकारी होनी चाहिए, और जिससे हम बच्चे को असेस कर पाए और ठीक से उसको आगे हम उसके साथ रेमेडियल एक्शन शुरू करें। तो ये चीजें बाइनोक्युलैरिटी डेप्थ परसेप्शन दे आर द ऑलमोस्ट द सेम थिंग, बिकॉज जैसे ही बाइनोक्युलैरिटी आएगी डेप्थ परसेप्शन भी हम डेवलप करते हैं। दिस इज अनदर फंक्शन ऑफ द आई जिसे हमने कल भी उसको डिस्कस किया था, दिस इज द पावर ऑफ अकोमोडेशन। और इसमें मैंने आपको बताया था कि हम लोग एक मतलब हमें पता भी नहीं चलता कि इस वक्त मैं आप लोगों को इधर देख रही हूँ, एट द सेम टाइम आई कैन इवन लुक एट व्हाट इज हैपनिंग। अगर मैं विंडो से बाहर देखना चाहूँ तो बाहर क्या हो रहा है, तो ये दो चीजें मैं स्प्लिट सेकेंड में मैं बदल भी सकती हूँ। और मैं इसमें ये मेरे पास एक एबिलिटी होती है कि मैं प्रेजेंटेशन के साथ साथ अगर विंडो से बाहर जाके किसी को देखना चाहूँ तो वो भी कर सकती हूँ, और इसमें हमें टाइम नहीं लगता और हम विद इन सेकेंड्स दिस एबिलिटी वी कैन डू इट एंड वी आर एबल टू डू इट। मैंने इसमें एग्जांपल दिया है, जैसे न्यूज़पेपर पढ़ते पढ़ते अगर हमें एरोप्लेन की साउंड आया है और हम ऊपर देखें आसमान की तरफ तो हम वो भी देख सकते हैं, और उसके बाद हम वापस अपने न्यूज़पेपर को पढ़ भी सकते हैं। तो ये जो एबिलिटी है ये हमने देखा था कि ये जो एबिलिटी वो आती है किससे, विद द हेल्प ऑफ द थिकनिंग एंड द थिनिंग ऑफ द लेंसेज। पास में जब पास की चीज देखनी होती है तो हमारा लेंस थिक हो जाता है, और जब दूर की चीज देखनी होती है तो ये हमारा लेंस थिन हो जाता है, और ये एबिलिटी आती है विद द हेल्प ऑफ द सिलेरी मसल्स जो कॉन्ट्रैक्ट और शॉर्टन होती हैं, और उसकी वजह से सिलेरी मसल से अटैच जो सस्पेंसरी लिगामेंट होते हैं वो लेंस को छोटा बड़ा करने की क्षमता रखते हैं। साथ में एक और विजुअल फंक्शन है जिसको हम कलर विजन कहते हैं। आप जैसे मैंने आपको बताया था कि 1 वीक के बच्चे में रेड ऑरेंज येलो कलर ब्लू और वायलेट कलर जो होता है वो धीरे धीरे करके आता है। एक और एबिलिटी होती है हमारी आंख की विच इज अनदर वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन दैट इज नोन एज द कॉन्ट्रास्ट सेंसिटिविटी। कॉन्ट्रास्ट सेंसिटिविटी का मतलब ये होता है कि किसी भी बैकग्राउंड के अगेंस्ट अगर हम कोई चीज को देख सकते हैं तो वो उसी को हम कॉन्ट्रास्ट कहते हैं। अब जैसे कॉन्ट्रास्ट सेंसिटिविटी से एबिलिटी होती है कि हम एजेस को पहचान सकें, उस ऑब्जेक्ट की जो डेप्थ है उसको पहचान सकें कि वो कितना उसके अंदर कितना विड्थ हाइट, ये सब कुछ हमारे को कॉन्ट्रास्ट सेंसिटिविटी हेल्प करता है बताने में। हम किस तरह से प्लेस्ड हैं इन द एनवायरमेंट, दिस इज ऑल्सो एन एबिलिटी ऑफ द कॉन्ट्रास्ट टू हेल्प अस टू जज आर प्लेसमेंट इन द स्पेस। तो अगर कोई पर्सन कोई ऑब्जेक्ट को देख सकता है हल्का भी अगर कॉन्ट्रास्ट है तो हम कहते हैं कि उसकी कॉन्ट्रास्ट सेंसिटिविटी हाई है। मीनिंग देयर बाय अगर पिंक बैकग्राउंड पे कोई व्हाइट चीज हम देख सकते हैं तो द कॉन्ट्रास्ट इज नॉट वेरी गुड, बट इफ द पर्सन कैन अप्रिशिएट इट द कॉन्ट्रास्ट सेंसिटिविटी इज सेड टू बी हाई। तो ज्यादा करके हम बच्चों को आपने नोटिस किया होगा कि ब्लैक अगर व्हाइट ब्लैक बोर्ड है तो उसपे हम ब्लैक पेन से लिखते हैं, या बच्चे किसी में हमने येलो इंट्रोड्यूस करते हैं येलो के ऊपर ब्लैक को अप्रिशिएट करता है तो उससे करते हैं, या व्हाइट पे जो ब्लैक होता है, तो इस तरह से हम कॉन्ट्रास्ट को एनहेंस करते हैं। ये हमको मोबिलिटी में, रीडिंग में, हमारे डेली लिविंग स्किल्स में ये बहुत चीजें काम में आती हैं। अगर हम कॉन्ट्रास्ट सेंसिटिविटी को एनहांस करते हैं तो लिविंग बिकम्स मोर इजीयर फॉर ऑल ऑफ अस। यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल दिया है कि व्हाइट सॉल्ट जार में अगर आप व्हाइट स्पून लगाते हैं उसकी जगह अगर आप रेड लगाते हैं तो द कॉन्ट्रास्ट इज मच बेटर व्हेन वी यूज अ रेड स्पून एज कम्पेयर टू अ व्हाइट स्पून। This we can overlook. So what we see is that धीरे धीरे अगर हम देखें तो बर्थ से लेके और धीरे धीरे हमारे किस तरह से फोकस और विजन ये सब कुछ चलता जाता है, और ये माइल स्टोन्स मैंने बताया कि एट बर्थ ओनली ग्रॉस स्ट्रक्चर दिखाई देते हैं और यूजली 1 to 1.5 inches के आसपास हमें दिखाई देता है, मतलब समराइज करा हुआ है मैंने इसमें। और द फर्स्ट लेसन जो माँ बच्चा देखता है वो अपनी माँ का शक्ल को पहचानने की कोशिश करता है। 2 हफ्ते का जो बच्चा होता है वो ग्रॉस कलर्स अप्रिशिएट करने लगता है, रेड ग्रीन ब्लू, और धीरे धीरे पैटर्न्स व्हाइट बैकग्राउंड पे अगर पैटर्न्स होते हैं तो वो भी उसको अप्रिशिएट करने लगता है। पर और लार्ज ऑब्जेक्ट्स वो देखने लगता है या लार्ज पैटर्न्स वो देख सकता है, पर वी हैव टू बी वेरी केयरफुल दैट हम उसमें कॉन्ट्रास्ट को अच्छा रखें और ब्राइटली कलर्ड चीजें हम उसको इंट्रोड्यूस करें।
फोर टू सिक्स वीक्स का बेबी लाइट को फॉलो करने लगेगा. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट दिस इज अनदर माइलस्टोन दैट वी शुड बी एबल टू अप्रिशिएट कि कमरे के अंदर जलती हुई बत्ती को बच्चा देखता है कि नहीं देखता है, या कोई चीज को अगर हम उसको फॉलो लाइट का टॉर्च है अगर उसको हम बच्चे के इधर उधर घुमाते हैं तो बच्चा उसको फॉलो कर रहा है. दिस इज अनदर माइलस्टोन विच वी हैव टू अप्रिशिएट एंड आस्क द पेरेंट्स टू बी वी शुड बी अवेयर अबाउट इट. 8 to 10 weeks के अंदर ब्लिंक रिफ्लेक्स आ जाएगा कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर हम उसके हाथ अपना हाथ अगर आंख के पास से यूं करेंगे तो उसका आंख बंद होती है कि नहीं, ये हमें बच्चे को अप्रिशिएट करता है कि नहीं ये हमें देखना है. उसके साथ हमें मूवमेंट आंख की दोनों पुतलियों आंखों को कैसे घुमा रहा है कोऑर्डिनेशन को देखना है. 3 महीने के बच्चे के पर वॉइसेस को रिकग्नाइज फेसेस को रिकग्नाइज कर रहा है, फेमिलियर फेसेस को देख के स्माइल करने लगता है. 4 मंथ में ब्राइट ऑब्जेक्ट्स देखने लगेगा, रीच आउट करने लगेगा किसी चीजों की तरफ. और 5th मंथ पे हैंड आई कोऑर्डिनेशन होगा बहुत अच्छा. अगर आप कोई विजुअल फील्ड में कोई ऑब्जेक्ट उसको इंट्रोड्यूस करेंगे तो वो उसको पकड़ने लगेगा, और ये चीजें हमको ध्यान में रखनी है. 6 मंथ्स में शिफ्ट है 1 ऑब्जेक्ट से दूसरा, और वो ड्रॉप्ड ऑब्जेक्ट को पकड़ने लगेगा क्योंकि अब हमें पता है कि उसके पास डेप्थ परसेप्शन आ गया है. अब ये सब क्यों होता है, क्योंकि डेप्थ परसेप्शन और डिफरेंस ये आंख के अंदर ये सब इसीलिए होता है क्योंकि हमारा जो फोविया होता है वो बहुत अच्छा डेवलप नहीं होता. तो धीरे धीरे जैसे जैसे फोविया का डेवलपमेंट होता है जहां पे सबसे अच्छी इमेज बनती है मैक्यूला के पास में, तो वो जैसे जैसे वो डेवलपमेंट होना लगता है तभी उसी के साथ साथ हमारे को ये सारी चीजें भी पता चलती जाती हैं. These are some more things that 9 to 10 months के बेबी के अंदर, और 1 year के अंदर fineness of vision बहुत अच्छा हो जाता है क्योंकि by this time the phobia is very well developed and the maturation of eye is very good. What is happening is कि जो हमारे साथ ये आँख के अंदर blurry vision बच्चा क्यों नहीं शुरू से देख पाता, क्योंकि हमको ये realize करना पड़ेगा कि जो cornea होती है वो धीरे धीरे अपना curvature, बच्चा जो पैदा होता है तब कॉर्निया बिल्कुल इट हैज अ फ्लैट अपीयरेंस. धीरे धीरे हमें पता चलता है कि कॉर्निया अपना कर्वेचर बनाती है, और ये जो होता है बाय 2 years दिस कर्वेचर ऑफ द कॉर्निया इज टोटली डेवलप्ड. उसी तरह यूवियल ट्रैक्ट में हमको आयरिस सिलेरी बॉडी और हमारा जो कोरोइड कोट होता है जिसको हम यूवियल ट्रैक्ट कहते हैं उसमें इसमें हमें नोटिस करना है कि 5 years ऑफ एज तक सिलेरी बॉडी और डायलेटर मसल्स कंप्लीटली डेवलप हो जाती हैं. और जैसा कि हमने डिस्कस किया था पहले कि डायलेटर मसल्स प्रेजेंट होती हैं आयरिस के पास, सो ऑल दीज थिंग्स दे अंडरगो चेंजेस. सो दिस इज ग्रेजुअली जैसे जैसे आई का डेवलपमेंट होता है इसी तरह हमारी विजन का इम्प्रूवमेंट होता है. There was a question that they wanted to कोई मेरे से पूछने की कोशिश कर रहा था कि आईबॉल की क्या लेंथ होती है, तो हम I've introduced this slide just for that कि at birth the eyeball is only 18 millimeter in diameter. So what happens is that at birth it is almost 18 millimeter in diameter and then जो infant होता है उसकी grow करके वो 19.5 millimeter तक की length हो जाती है. Usually the normal adulthood में 24 to 25 millimeter. Usually disabled को समझाने की कोशिश करें तो ये होता है ping pong ball जिससे हम table tennis खेलते हैं वो 40 millimeter की diameter में होती है. तो हमारी जो eyeball है वो 2/3 of the size of ping pong ball है. तो ये हमें ध्यान रखना है कि gradually हमारी eyeball develop होती है, तो उसी की वजह से vision हमारा gradually धीरे 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 करके adult मतलब से डेवलप होता है. तो blurry image इसलिए आती है क्योंकि जो यंग इन्फेंट है वो क्योंकि कॉर्निया फ्लैटेंड है, क्लियरिंग मसल अच्छे से डेवलप नहीं है, उस सब आई बॉल की लेंथ कम है, तो उन सभी कारणों की वजह से चीजें ठीक से फोकस नहीं होती है ऑन टू द रेटिना. बट जैसे जैसे डेवलपमेंट शुरू होता है, जैसे जैसे हमारे आंख का विकास शुरू होता है तो कॉर्निया का कर्वेचर आता है, आईबॉल की लेंथ ठीक हो जाती है, धीरे धीरे बढ़ती रहती है, सिलेरी मसल्स अच्छी डेवलप हो जाती है, और फोविया भी अच्छे से मैच्योर हो जाता है, और फिर अच्छी इमेजेस हमारी फोकस होने लगती है ऑन टू द रेटिना. So this is what we have finished on our vision development.
एंड नाउ वी विल टॉक अबाउट प्रोसेस ऑफ सीइंग. ना हमने जब पता कर लिया कि विजन विजन के क्या क्या फंक्शन है एंड हाउ डज आर आई सी डिफरेंट थिंग्स, जिसमें आप नोटिस करेंगे कि हम स्कैन कर सकते हैं, हम ट्रैक कर सकते हैं, हम डेप्थ को परसीव कर सकते हैं, हम एक अच्छी इमेज अपनी आंख पे जो भी इमेज गिरती है उसको हम बहुत अच्छा सा एक जब हमारे पास फाइननेस ऑफ विजन होता है जिसको हम विजुअल एक्विटी बोलते हैं. यहाँ मैं आपका ध्यान स्पेसिफिकली ये बताना चाहूंगी कि देखिए विजुअल एक्विटी इज नथिंग बट द एबिलिटी ऑफ द आई टू सी द स्मॉल डिटेल्स विच आर देयर इन एनी काइंड ऑफ एन पिक्चर. अगर फॉर दैट मैटर, अगर सपोज हमें अपने कोई फेस हम देख रहे हैं, उस फेस में अगर मैं ये अप्रिशिएट कर सकती हूँ, अगर आप इस वक्त मेरा फेस दिख रहे हैं और अगर आप अप्रिशिएट कर सकते हैं दैट आई एम वेयरिंग अ मेरे एक बिंदी पहनी हुई है या मैंने कान के अंदर कुछ पहना हुआ है, तो ये जो एबिलिटी होती है आंख की टू अप्रिशिएट दी स्मॉल थिंग्स ऑफ और दीज स्मॉल विजुअल वट एवर स्ट्रक्चर आर देयर ऑन आर आई सॉरी ऑन अ फेस, तो इसी को हम विजुअल एक्विटी का नाम देते हैं. मीनिंग देयर बाय दैट अगर मैं ये कोई अगर ये अप्रिशिएट नहीं कर सकता दैट देयर इज अ डॉट ऑन माय फेस और वो डॉट मैंने बिंदी की तरह लगा रखा है, तो दैट मींस द विजुअल एक्विटी इज पुअर. एट द सेम टाइम इफ समबडी इज एबल टू अप्रिशिएट इवन द शेप ऑफ इट, द कलर ऑफ इट एंड इवन द साइज ऑफ इट, देन दैट मींस वी से दैट द विजुअल एक्विटी इज गुड. या मैंने अपने कान में क्या पहना हुआ है और अगर उसको अप्रिशिएट कर सकते हैं और कोई बता सकते हैं कि व्हाट काइंड ऑफ अ स्ट्रक्चर या उसका क्या कलर है, या तो ये सारी जो चीजें हैं यही विजुअल एक्विटी को हम बताते हैं. और यही एबिलिटी जो है आंख की टू अप्रिशिएट द स्मॉलनेस और द फाइन थिंग्स ऑफ एनी काइंड ऑफ इमेज और एनी काइंड ऑफ अ पिक्चर इज द नेम गिवन टू विजुअल एक्विटी. तो हम जब देखते हैं प्रोसेस ऑफ सीइंग में, तो आपको ये हमारे को अप्रिशिएट करना है कि कोई भी चीज का अगर हम शेप देख सकते हैं, उसका कलर देख सकते हैं, उसका उसमें क्या टेक्सचर है, क्या क्या कुछ उसमें अलग तरह के डिजाइन बने हैं, यही दिस ऑल दीज थिंग्स हेल्प अस इन सीइंग समथिंग एंड दिस इज दैट इज व्हाट वी कॉल्ड एज द प्रोसेस ऑफ सीइंग. देखने के लिए बहुत सारी हमारी आंखों में बहुत सारी चीजें हैं जिसमें बदलाव आता है और वो सारा चीजें एक साथ साइमल्टेनियसली होता है और उसी की वजह से हमने मतलब जब भी हम देखने लगेंगे तो हमारी आंखें मूव भी करेंगी. हमारी आंख के अंदर जैसे मैंने आपको बताया कि जो आयरिस है वो आयरिस प्यूपल को चेंज करेगा. जो चीजें चेंज होती हैं वो अलग तरह की हैं, जैसे जो चेंज जिनमें चेंजेस होंगे, जैसा हमने कल अप्रिशिएट करा कि लेंस में चेंजेस आएंगे, सेलेरी मसल्स में चेंजेस आएंगे, सस्पेंसरी लिगामेंट में चेंजेस आएंगे और तब जाके वो इमेज हमारे रेटिना पे होगी. और जैसी रेटिना पे स्टिमुलेशन मिलेगा तो जो हमारे पास रॉड्स एंड कोन्स हैं उनके अंदर चेंजेस होंगे. तो ये ही जो चेंजेस होते हैं इन्हीं को हम इंटरप्रेट करके और हम ब्रेन इनको इंटरप्रेट करता है और वो हमें इमेज पता चलती है. तो आप लोग ये अप्रिशिएट करिए कि आंख के कुछ पार्ट्स में चेंज होते हैं और कुछ पार्ट्स में चेंजेस नहीं होते. तो ये जो चेंजेस नहीं होते हैं वो उनका फिक्सेशन होने के कारण ही लेंस के अंदर मूवमेंट का एबिलिटी है. मीनिंग देयर बाय द लेंस इज फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर, क्योंकि बाकी चीजें नहीं चेंज होती, कॉर्निया नहीं चेंज हो सकता, एक्वस ट्यूमर में कोई एक्टिविटी नहीं होगी, उसके बाद आपके विट्रियस में कोई एक्टिविटी नहीं होगी, जो कॉर्निया से लेके रेटिना तक का जो लेंथ है वो उसमें कोई चेंजेस नहीं होंगे. तो चेंज क्या कर सकता है, दैट इज द ओनली थिंग इज दैट द लेंस इज हैज द एबिलिटी ऑफ चेंजिंग इट्स कर्वेचर और उसी की वजह से हम किसी भी चीज को अप्रिशिएट कर सकते हैं. जब हमारे पास कोई भी चीज देखते हैं तो आईबॉल मूव करेंगी, उसके बाद जो लाइट रेस होती हैं वो किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर गिरती हैं और वहां से वो गिर के और वो हमारी आंख के अंदर एंट्री करती हैं. तो जब वो एंटर करती हैं तो सबसे पहले वो किस चीज को छूती हैं, दैट इज द पार्ट इज नोन एज द कॉर्निया. कॉर्निया जैसे हमने देखा कि ट्रांसपेरेंट आउटर मोस्ट स्ट्रक्चर है, ये उनको फर्दर बेंड करके या जिसको हम कहते हैं रिफ्रैक्शन, बेंड करके इनको डायरेक्ट करता है टुवर्ड्स द प्यूपल. प्यूपल जो है आपको जैसे हमने उस दिन देखा था, प्यूपल इज सराउंडेड बाय
those muscular structure, जिसमें हमने कहा था कि sphincter pupilli और dilator pupilli दोनों हैं, जिसको हम colored portion of the eye कहते हैं, that is known as the iris. Now all the rays which are from the cornea, they are entering into the pupil, और pupil से जाके यहाँ पर pupil के पास हमारे पास ability होती है उसको बड़ा और छोटा करने के लिए. That means we know that in bright light there is constriction and in when there is dim light there is dilatation. ये इसलिए किया जाता है क्योंकि हमको ज्यादा stimulation, जब हल्की रोशनी होगी तो आँख को stimulation ज्यादा चाहिए, ज्यादा रॉड्स एंड कोन्स को स्टिमुलेट होने की जरूरत है, इसीलिए प्यूपल डायलेट हो जाता है. और दिस इज अ वेरी ब्यूटिफुल एग्जाम्पल ऑफ हाउ नेचर हैज ने हमको हेल्प करा है कि जिससे हम अच्छे से अपना जो भी चीज हो इमेज, अच्छी इमेज अपनी आंख के रेटिना पे बना पाए. तो जब हल्की रोशनी होगी तो प्यूपल वेरी नेचुरल बड़ा हो जाएगा, जिससे ज्यादा की ज्यादा रोशनी हमारी आंख में जा पाए. और जब बहुत ज्यादा रोशनी होगी तो प्यूपल कॉन्स्ट्रिक्ट कर जाता है विद द हेल्प ऑफ द मसल्स ऑफ द आयरिस, जिससे ज्यादा रोशनी हमारी आंख में ना जा पाए. तो ये एक नेचर ने हमको एबिलिटी दी है कि ज्यादा रोशनी में कॉन्स्ट्रिक्शन, जिससे कम चीज अंदर जा कम हम चीज ले पाए, और जब कम रोशनी हो तो डायलिटेशन हो, जिससे हम ज्यादा से ज्यादा रोशनी हमारी आंख के अंदर जा पाए. उसके बाद ये सारे जो अब ये यहाँ से डायरेक्ट होके लेंस के ऊपर जाके गिरते हैं. लेंस जैसा कि हमें पता है कि एक बाइकॉन्वेक्स स्ट्रक्चर है, वो अपना शेप को बदल सकता है और वो पतला भी हो सकता है और थिक भी हो सकता है. थिकनेस और थिकनिंग एंड थिनिंग बोथ इज द एबिलिटी ऑफ द लेंस. और वो उससे कॉन्सेंट्रेट करके, फर्दर कॉन्सेंट्रेट करके सारी रेज को हमारे पास भेजता है ऑन टू द रेटिना, जहां पे रॉड्स एंड कोन्स सिचुएटेड है. हमने नोटिस किया था कि जो दूर के ऑब्जेक्ट होने के में हमारा लेंस फ्लैटन हो जाता है, और जब पास का हम ऑब्जेक्ट देखते हैं तो हमारा लेंस थिक हो जाता है, मीनिंग देयर बाय इट बिकम्स इट शॉर्टन्स. और इट तो दिस इसी को हम पावर ऑफ अकोमोडेशन के नाम से जानते हैं. ये हमारे साथ क्यों होता है, क्योंकि हमें पता है कि जब डिस्टेंस में से ऑब्जेक्ट रेज आएंगी या कोई भी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पे होगा तो हमारे कोई भी चेंज किसी में नहीं हो सकता. ओनली द फोकसिंग पावर ऑफ द लेंस कैन चेंज, बिकॉज कॉर्निया कैन नॉट चेंज, रेस्ट ऑफ द नन ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ द आई कैन चेंज. तो कोई भी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए ओनली लेंस हैज दिस फंक्शन ऑफ फोकसिंग by increasing or decreasing its curvature so that we get a good image onto the retina. यहाँ पे आप ये दोनों चीजें दिखाई गई हैं, जिसमें पास में आप नोटिस करेंगे कि लेंस थिक हो गया है, कोई भी पास की ऑब्जेक्ट है, और यहाँ दूर के ऑब्जेक्ट देखने के लिए यहाँ पे लेंस को थिन हो गया है. जैसे ही अब रेटिना के ऊपर ये रेज पहुंचती हैं तो वहां पर जो हमारे पास रॉड्स एंड कोन्स हैं वो स्ट्यूमुलेट होते हैं, और उनके स्ट्यूमुलेशन में होता क्या है कि उसमें एक पिगमेंट होता है, वो पिगमेंट लाइट के गिरने से इट जस्ट देयर इज अ रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन होता है, वो डिसइंटीग्रेट होता है. और उस पिगमेंट के डिसइंटीग्रेशन से नर्व की इम्पल्सिस, जिन्हें हम कहते हैं कि दिस केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस, केमिकल से ये न्यूरल मतलब नर्वस में कन्वर्ट हो जाता है, और ये रॉड्स एंड कोन्स जो जिसके अंदर जो पिगमेंट टूटता है उसकी वजह से ये नर्व एंडिंग्स को स्ट्यूमुलेट करता है, और ये जो होता है फिर ये हमारे ब्रेन में जाता है, और यहाँ पर हम उसको जो भी इमेज होती है उसको इंटरप्रेट करते हैं. कोन्स का कॉन्सेंट्रेशन सेंटर में है, बिल्कुल मैक्यूला के पास. ब्राइट लाइट के अंदर कोन्स स्ट्यूमुलेट होती हैं, रॉड्स हमारे पेरिफेरल पार्ट में पाई जाती हैं, और ये हल्की रोशनी में स्ट्यूमुलेट होती हैं. जैसा रॉड्स एंड कोन्स का लोकेशन हमको पता है, इसलिए रॉड्स हमको साइड विजन देखने में और मूवमेंट देखने में हेल्प करती हैं, और कोन्स हमको कलर विजन और ब्राइट लाइट में देखने में हेल्प करते हैं. यहाँ रेटिना से ये कन्वर्ट होके इलेक्ट्रिक इम्पल्सेस ब्रेन में जाते हैं, और ब्रेन में ऑक्सिपिटल लोब में इंटरप्रिटेशन होता है किसी भी इमेज का, और हम उसको इंटरप्रेट करके वो इमेज को देख पाते हैं. ऑक्सिपिटल लोब राइट एंड लेफ्ट में है, ये दोनों लोब्स इस पिक्चर को मर्ज करके एक ही पिक्चर बनाते हैं, और ये ही ऑक्सिपिटल लोब बिल्कुल पीछे जहाँ पे हमारा बैक साइड है, बैक ऑफ द हेड, वहां पर ये लोब सिचुएटेड है, और यहीं पे हम इस विजन को देखते हैं. सो दिस इज हाउ वी सी द
that any kind of source of light, कोई भी source of light होगा, जैसे इसमें आप दिख रहा है कि sun है, तो इस source of light जब किसी भी object पे गिरेगा, तो यहाँ से इसमें से ये reflect करके ये जो rays होती हैं, यह आँख पे पहुँचती हैं, और आँख पे पहुँचकर बाकी process हमने देखा, ये इसमें बाकी सारे, इसमें जो भी होता है, आपको पता है कि 7 colors से white light बनती है, ये जो भी जो ऑब्जेक्ट होता है वो बाकी कलर बाकी चीजों को बाकी जो रेज होती हैं उनको एब्जॉर्ब कर लेता है, और जो एक वेवलेंथ की रेज जो कलर का वो होता है उस वेवलेंथ की रेज को हमारे होगा कि जब भी हम ब्राइट लाइट से किसी डिम कमरे में या हल्के जैसे आप बाहर से अगर आप किसी भी पिक्चर हॉल में एंटर करते होंगे तो ऑल ऑफ अ सडन हमें कुछ दिखाई नहीं देता. ये इसलिए होता है कि जो ये फोटो पिगमेंट्स होते हैं एक्सेसिव लाइट के अंदर ये ब्लीच हो जाते हैं, मीनिंग देयर बाय दे डिसइंटीग्रेट. तो जो हमारे ब्राइट लाइट के अंदर रोडोप्सिन जो होता है हमारी आंख में वो बिल्कुल ब्लीच हो जाता है, और जैसे ही हम डिम रूम में पहुंचते हैं तो वो उन्हें वापस उसको बनने में थोड़ा सा टाइम लगता है, और डिम रोशनी के अंदर हमारी कोन्स वर्क नहीं करती, तो उस वजह से होता क्या है कि द रीजनरेशन टेक्स सम टाइम, और थोड़े से देर में हमें लगता है कि दैट वी आर एबल टू सी एवरीथिंग, तो उसमें क्या होता है कि रोडोप्सिन वापस बन जाता है एंड देन वी आर एबल टू अगेन सी एवरीथिंग, एंड द मूवी हॉल में जितने लोग भी बैठे हैं वो भी दिखाई देने लगते हैं और पिक्चर भी दिखाई देने लगती है. तो ये इसको हम डार्क अडेप्टेशन कहते हैं, और ये होता है जब हम किसी ब्राइट एरिया से एकदम से हल्के रोशनी वाले कमरे में जाएं. इसलिए मैं आपको इसलिए बताना चाहती हूँ कि हमारे साथ बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो हमारे ये एबिलिटी उनके अंदर थोड़ी सी कम होती है, तो हमको ध्यान देना है कि जिनके मैक्यूला में अगर कोई मैक्यूलर प्रॉब्लम है तो ये दीज चिल्ड्रन विल टेक टाइम टू एडजस्ट टू अ डार्क फ्रॉम अ डार्क टू अ लाइटर रूम from a light room for light adaptation and from a dark for dark adaptation. So hame dhyan rakhna hai ki that we give them enough time so that they are able to adapt to the normal atmosphere what is there inside the classroom. तो कभी बाहर से और अंदर आते हैं तो इन बच्चों को थोड़ा ज्यादा टाइम दें जिससे वो इस चीज को अडेप्ट कर सके. उसी तरह जब हम दूसरी तरह का होता है that is known as ब्राइट लाइट से कई बार हम जैसे कोई अंधेरे कमरे से बाहर की तरफ निकलते हैं तो हमको एकदम से ग्लेयर लगती है और हम कुछ भी नहीं देख पाते हैं, क्योंकि ये भी ऐसे ही होता है कि एक्सेसिव लाइट होने से जो भी फोटो पिगमेंट हमारे पास होता है इट इज ब्रोकन डाउन सडनली, और ब्राइट लाइट में आने से उस वक्त रॉड्स हमारे पास काम नहीं कर रही हैं, और जो कोन्स का जो भी एक्सेसिव स्टिमुलेशन होने की वजह से बहुत सारे नर्व इम्पल्सेस हमारे पास ब्रेन तक पहुंचते हैं और इसको हम ग्लेयर का नाम देते हैं. तो ये चीजें जो हैं हमें ध्यान में रखनी है दैट व्हेन वी आर मूविंग फ्रॉम अ डार्क रूम टू अ लो लिट रूम और फ्रॉम अ लो लिट रूम टू अ ब्राइट लिट रूम, तो ध्यान रहे कि ये बच्चों को अडेप्टेशन में टाइम लगेगा और हमको ये इन चीजों का ध्यान देना है. ब्लरी विजन फोबिया ये हमने वही हम प्रोसेस ऑफ सीइंग का यही पार्ट है और यही हमारा विजुअल डेवलपमेंट है. दिस इज हाउ द विजन डेवलप्स. सो दिस आई वांट टू एम्फसाइज दैट फोबिया की मैच्योरिटी की वजह से कॉर्निया के कर्वेचर के कम होने से विजुअल लेंथ ऑफ द आईबॉल की लेंथ कम होने से ग्रेजुअली जो भी होता है प्रोसेस ऑफ सीइंग में ये सारी चीजें हमारे काम में आती हैं और हम धीरे धीरे करके इसको इस एबिलिटी को हम इम्प्रूव करते जाते हैं और 3 months पे देखेंगे कि फोबिया अच्छे से मैच्योर हो गया. 1 year के ऊपर फाइन डिटेल्स भी बहुत अच्छे से विजुअल एक्विटी भी इम्प्रूव कर जाती है और पेरिफेरल विजन भी बहुत अच्छा 10 months तक के बच्चे को 80 डिग्री तक का बहुत अच्छा दिखा मतलब पेरिफेरल विजन भी बेटर हो जाता है. तो ऑल दीज थिंग्स आर हेल्पिंग अस इन द प्रोसेस ऑफ सीइंग आर विजुअल फंक्शंस एज वेल एज आवर आई डेवलपमेंट. अगर किस मतलब विजुअल एक्विटी देखिए मतलब इट्स द एबिलिटी ऑफ द आई टू सी. हम यूजली एक चार्ट लेके उसको स्टैंडर्डाइज जैसे कोई भी चीज को अब हम कैसे मानेंगे कि ये चीज 1 meter है तो उसका ये हमने जो 1 meter का अगर डिस्टेंस है तो हमने उसको स्टैंडर्डाइज कर दिया कि इतना डिस्टेंस 1 meter होगा. उसी तरह हमने विजुअल एक्विटी को भी स्टैंडर्डाइज कर दिया है कि 6 meter के डिस्टेंस से अगर वो व्यक्ति सबसे ऊपर वाली लाइन देख सकता है तो दैट मीन्स हिज विजन विल बी
we call it as 6 by 60. और अगर वो सबसे आखिरी वाला जो अल्फाबेट्स देख सकता है तो वो हम उसको बोलते हैं कि ये 6 by 6 उसका विजन है। तो ये एक स्टैंडर्डाइजेशन है और इसी को हम विजुअल एक्विटी का नाम देते हैं। पर मेरा कहने का मतलब है कि हम अगर स्टैंडर्डाइजेशन से ना जाएं और हम अगर प्रैक्टिकल वे में देखें, तो अगर हम कोई इमेज किसी बच्चे के सामने रखते हैं और हम उससे पूछते हैं कि क्या इस इमेज में आपको सपोज देयर इज अ सीनरी, और अगर आप देखते हैं कि उसमें चिड़ियां हैं या फ्लावर्स हैं, और अगर आप उसके सामने रखते हैं और आप उससे कहते हैं कि इसमें काउंट करके बताओ कि कितने फ्लावर्स हैं, तो इफ द चाइल्ड इज एबल टू यू नो काउंट एंड टेल यू कि इसमें इतने फ्लावर्स हैं या इसमें चिड़िया है या छोटा सा एक आपको फूल के ऊपर बटरफ्लाई बैठी हुई है, वो बच्चा अगर अप्रिशिएट करके बता रहा है, तो यू कैन ऑलवेज से दैट दिस विजुअल एक्विटी इज बेटर। और अगर कोई बच्चा है वो इन उस फ्लावर को अप्रिशिएट कर रहा है पर एट द सेम टाइम वो छोटी सी जो उसके ऊपर तितली बैठी है अगर उसको वो अप्रिशिएट नहीं कर पा रहा है, देन वी हैव अ नॉलेज एंड वी कैन से दैट हिज विजुअल एक्विटी इज नॉट वेरी गुड। मैंने एग्जाम्पल दिया था कि अगर आप मेरे फेस को देखते हैं एंड इफ यू कैन अप्रिशिएट दैट आई एम वेयरिंग अ रेड डॉट मेरे फोरहेड पे, तो मैंने बिंदी लगा रखी है, दैट मीन्स माई विजुअल एक्विटी इज गुड। और अगर हमें अगर आप में से कोई ये अप्रिशिएट नहीं कर पाता कि देर इज, और अगर वो डॉट आपको कुछ ब्लरी जैसा दिखाई देता है या कुछ मतलब बस वो दिखाई देता है और आपको पता नहीं चलता, दैट मीन्स द विजुअल एक्विटी इज नॉट वेरी गुड। मीनिंग देर बाय कि ये एक स्टैंडर्ड है जो हमने ये हमने थोड़ा मतलब इसको एक स्टैंडर्डाइजेशन करा हुआ है, मीनिंग देर बाय कि जैसे 1 meter है तो ये 1 meter है। उसी तरह जैसे हम ये बोल आपने देखा होगा कि हम जब चार्ट को दिखाते हैं तो उसमें जैसे 6 by 60 है, मीनिंग देयर बाय कि 6 meter से वो जो है वो सबसे ऊपर वाली लाइन देख रहा है, दैट मींस दैट इज 60, वो एक नॉर्मल व्यक्ति 60 meters की डिस्टेंस से देख लेगा। तो यही बताने के लिए ये हमने जो हम स्नेलन चार्ट को यूज करते हैं, जो सबसे छोटा है उसको हम 6 by 6 बोलते हैं और जो सबसे ऊपर वाला है उसको 6 by 60 बोलते हैं। तो प्रैक्टिकली ये एक मतलब न्यूमेरिकल फॉर्म है जिसको हम लिख के देते हैं जिससे हमको ये पता चल जाए कि उसका विजन कितना है। पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो प्रैक्टिकली अगर हम अपने क्लासरूम में हैं और हम बच्चे को पढ़ा रहे हैं तो वो बच्चा हमको अप्रिशिएट कर पा रहा है, वो बच्चा हमारे अपने टीचर की शक्ल को देख पा रहा है या अपने वो साथी जो उसके पास साथ में बैठा है उसकी शक्ल को देख पा रहा है, या हम अगर मैं जिस तरह से अभी आपको नरेट कर रही हूँ तो अगर हम नेचुरल अगर क्लासरूम में होते आप अप्रिशिएट कर पाते कि मैंने इफ आई एम वेयरिंग समथिंग तो उसके ऊपर कोई डिजाइन बना हुआ है या माई साड़ी हैज सम एनी काइंड ऑफ डिजाइन या आई एम वेयरिंग अ प्लेन साड़ी, तो ये सब चीजें आप दूर से देख के अगर ये सब कुछ पहचान सकते हैं और तो आपकी विजुअल एक्विटी अच्छी है, और अगर आप नहीं पहचान पाएंगे तो इसका मतलब द विजुअल एक्विटी इज बिकॉज हियर यू सी दैट दिस हैज अ वेरी, इसमें जो स्ट्रक्चर बना हुआ है वो बहुत ही एक हाई कॉन्ट्रास्ट नहीं है, तो जो व्यक्ति इसको अच्छे से पहचान सकता है दैट मीन्स द विजुअल एक्विटी इज वेरी गुड, एंड इफ यू आर नॉट एबल टू अप्रिशिएट इट द विजुअल एक्विटी इज नॉट दैट गुड। तो ये हमें फंक्शनली बस हमें पता करना होता है कि बच्चे की विजुअल एक्टिविटी कैसी है, वी हैवंट टू गो बाय द नंबर्स, हमें 6 by 60 या 6 by 28 या इससे हमें मतलब नहीं है, हमें ये ध्यान में रखना है कि बच्चे की एक्टिविटी कैसी है। बच्चे की विजुअल एक्टिविटी बहुत अच्छी है तो हमें उसी तरह से उस बच्चे के साथ वर्क करना है, अगर हमें लगता है कि उसकी विजुअल एक्टिविटी खराब है तो हमें ध्यान रखना है कि हम इस बच्चे के पास आके बात करेंगे, यहाँ से उसको पास से उसको उसको जो भी पढ़ाना है या उसको जो भी चीजें हमें समझानी है तो वी हैव टू बी वेरी क्लोज और वी गेट द चाइल्ड क्लोजर टू अस, मीनिंग देयर बाय उसको आपको पहली पहली रो में बिठाना है। और अगर हम उस बच्चे की विजुअल एक्विटी अच्छी नहीं है, अच्छी नहीं होगी, तो इट इज वेरी नेचुरल दैट ही इज एबल टू अप्रिशिएट व्हाट यू आर राइटिंग ऑन टू द ब्लैक बोर्ड, द चाइल्ड शुड कम राइट इन फ्रंट। तो इस तरह से हम एक्टिविटी को इम्प्रूव कर सकते हैं और अपने प्रैक्टिकली हर चीज के अंदर आप देखेंगे एक्टिविटी डेप्थ परसेप्शन कॉन्ट्रास्ट एवरीथिंग इज हैज अ फंक्शनल मीनिंग, मतलब हर काम में हमको इस चीज की जरूरत पड़ती है। हम मैं मेरा हरदम कहना है कि कॉन्ट्रास्ट को अच्छा रखना है, टीचर शुड बी वेयरिंग अ ब्राइट कलर्ड शर्ट और एज वी शुड बी वेयरिंग वेरी ब्राइट कलर्ड क्लोथ्स, बिकॉज अगर हम अच्छे कॉन्ट्रास्ट के सामने रखते हैं तो बच्चा अप्रिशिएट कर पाता है उस चीजों को।
और हमको नोटिस करता रहेगा कि हम लोग कहाँ पे खड़े हुए हैं। उसी तरह से आप ऑडिटरी स्टिमुलस कंटिन्यूसली देते रहेंगे, कंट्रास्ट अच्छे से यूज करेंगे क्लासरूम में, ब्लैक बोर्ड के ऊपर ब्राइट कलर्ड और बोल्ड लेटर्स में जो भी है उनको कैपिटल में लिखेंगे, जिससे बच्चा फर्स्ट रो में भी बैठ के आपको अप्रिशिएट कर पाए कि आप ब्लैक बोर्ड पे क्या लिख रहे हैं। अगर उस बच्चे की एक्विटी में कोई प्रॉब्लम है या उसके उसकी कंट्रास्ट में कोई प्रॉब्लम है या फील्ड में कोई प्रॉब्लम है, तो आपको देखना है कि आप कैसे उसको हेल्प कर सकते हैं। तो एक्विटी, विजुअल फील्ड, कंट्रास्ट, डेप्थ, ऑल दीज आर प्रैक्टिकल थिंग्स विच जिसको हमने कोई नंबर दे दिया है, पर जरूरत यह है कि ये फंक्शनिंग में बहुत इंपॉर्टेंट है और हमें इसको एवरीडे यूज में उसकी फंक्शनिंग को इम्प्रूव करने के लिए काम में लेना जरूरी है, जिससे हम उसकी उसकी जिंदगी को और उसके आय के फंक्शन को बेटर बना सके। और ये कैसे हो रहा है ये मैंने आपको समझाया है, विद एवरी ईयर, एवरी मतलब मंथ वाइज वो कैसे इम्प्रूव हो रहा है, तो वी विल वी आई हैव एक्सप्लेन इट टू यू। एंड ये हमको अप्रिशिएट करना है कि हर कैसे कैसे ये इंक्रीज होता है, कैसे कैसे कौन कौन से माइलस्टोन्स कब कब आ रहे हैं, तो जिससे हम ये पता लगा सकें कि कब बच्चे के अंदर कौन सी परेशानी है और हमको कब उसको डॉक्टर को दिखाना है। So I've talked about the milestones, I've talked about how the visual is vision is developing. So all these things are they are indicating that how we have to appreciate and how we have to teach our parents and teach as teachers how we have to be aware about all this, and then we have to learn about it and we have to make parents and other persons also aware about our vision development month wise. Thank you so much. Somebody wants to know about conjunctivitis. I'm sure Dubey sir is going to talk about it. So, if there is any kind of clarification, I'm there. I will help out in anything. Thank you very much, ma'am. क्योंकि मैं भी देख रहा हूँ इतने सारे आपके इस presentation से related बहुत सारे queries आ रही हैं, बहुत लोगों के questions हैं. मगर ड्यू टू लिमिटेशन ऑफ टाइम हम लोग कर नहीं पा रहे हैं इसको, इसके लिए मैं अपने पर्सनल लेवल पर आपसे माफी मांगता हूँ। मगर हम लोग कोई ऐसा प्रोग्राम भी ऑर्गेनाइज कराएंगे जो इक्विवेलेंट टू सीआरई प्रोग्राम होगा और जिसमें हम कोशिश करेंगे पांच से छह घंटे तक हम लोग किसी टॉपिक पर बात करें, स्पेशली आई एंड आई एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ आई के ऊपर। तो उस टाइम पर आप डेफिनेटली पूरे डिटेल में मैम से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच मैम। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा डॉक्टर सुदीप कुमार दुबे जी से, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुदीप सर, कैन यू हेयर मी? सुन रहा हूँ विनोद जी। सर नमस्कार। सर नमस्कार, मोस्ट वेलकम सर। मोस्ट वेलकम सर। मैं सुदीप कुमार दुबे सर के बारे में आप पहले ही बता चुका हूँ, मगर क्योंकि सर उस टाइम हम लोगों से नहीं जुड़ पाए थे, मैं दोबारा बताना चाहूंगा सर के बारे में। ये प्लीज जिसने अपना माइक ऑन किया हुआ वो अपना माइक म्यूट कर दे। तो सुदीप सर बहुत ही वेल नोन पर्सनैलिटी है स्पेशल एजुकेशन में। अगर आप स्पेशल एजुकेशन विजुअल इंपेयरमेंट में डीएड बीएड एमएड में पढ़ते हैं तो आपने देखा होगा कि सुदीप सर की बहुत सारी किताबें हैं और स्पेशली हिंदी में सर लिखते हैं ताकि जो नॉर्थ इंडिया के बेल्ट है उसके बच्चे को आसानी से हिंदी में मटेरियल मिल जाए। सर का एजुकेशन का कैरियर इतना लंबा है स्पेशल एजुकेशन में कि जब हम लोग स्टूडेंट हुआ करते हैं तब सर प्रोफेशनल थे, तो मैं हमेशा सर कह के बात करता हूँ। तो सर अभी एट प्रेजेंट असिस्टेंट प्रोफेसर हैं दुर्गा भाई देशमुख कॉलेज ऑफ स्पेशल एजुकेशन में, जो दिल्ली के ब्लाइंड रिलीफ एसोसिएशन के कैंपस में चलता है। तो सर आपका बहुत बहुत स्वागत है जी। मैं अपनी बात शुरू कर रहा हूँ और आपको विनोद जी को थैंक यू, खासतौर से एनआईडीएच के सभी लोगों को नमस्कार और जितने भी हमारे स्टूडेंट्स जुड़े हुए हैं सभी का स्वागत है। और डॉक्टर गीतिका माथुर ने आपको बहुत अच्छा बताया आंखों के बारे में और आंखों की बीमारी के बारे में। विनोद ने कहा कि मैं बताऊं, मुझे लग रहा था शायद मैडम भी उसको बहुत अच्छा बता पाती, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं, जो जिम्मेदारी दी गई है वो मैं जरूर निभाऊंगा जी। जो मुझे कुछ खास टॉपिक छोटे छोटे दिए गए हैं उनको मैं कोशिश करने की कवर करने की कोशिश करता हूँ। और सबसे पहले बात कर रहा हूँ असेसमेंट ऑफ विजन। देखिए मैं आपको बताऊं कि आपने बहुत कुछ जाना और डॉक्टर साहब से, जैसे कि हमको आपको मालूम है कि मैं बच्चे का इलाज नहीं करना है, हमारे सामने बच्चा आएगा विजुअली इम्पेयर्ड बच्चा होगा, उसकी एजुकेशन को लेके कुछ डिसीजन लेने हैं, तो हमें ये देखना होगा कि वो तमाम बीमारियों को जरूर मैं आपके साथ अभी डिस्कस करूंगा, लेकिन बीमारियों के वो शैक्षिक प्रभाव क्या है उस
बात पे ज्यादा हमारे आपका गौर है, मेरा गौर है और आपका भी होना चाहिए। तो आप देखें कि असेसमेंट ऑफ जो विजन है, जैसे ही हमारे पास एक बच्चा आता है और हम उसको देखते हैं क्लासरूम में, ऑब्जर्व करते हैं और कई बार देखते हैं कि वो हमारी बात को नहीं ध्यान से सुन रहा है, या होमवर्क करके नहीं लाता है, या ब्लैक बोर्ड वर्क करने में उसको परेशानी हो रही है, कुछ इस तरह का बिहेवियर या कुछ कंप्लेंट्स यदि आपको लगे तो आप ऐसा समझ सकते हैं कि बच्चे को कुछ दृष्टि से संबंधित परेशानी हो सकती है। तो ऐसे में उसका असेसमेंट करने की आवश्यकता है। तो दो तरह के असेसमेंट की बात की जाती है, एक है क्लिनिकल असेसमेंट, जिसके बारे में अभी आपने पिछले दिन भी और आज भी सुना। इस क्लिनिकल असेसमेंट में जो चार मेन बातें हैं वे मैं आपके साथ फिर एक बार बता दूं, नाम आपको सुना दूं। एक विजुअल एक्विटी है, दृष्टि की तीक्ष्णता, जिसमें कि आपको बताया गया कि कितनी दूरी से व्यक्ति को कितनी बड़ी साइज की लेटर जो है या कोई ऑब्जेक्ट आसानी से दिखाई देती है, ये विजुअल एक्विटी के अंतर्गत बात आती है। उसके बाद फील्ड ऑफ विजन का मतलब ये हुआ कि आप यू आर फोकसिंग योर आईज ऑन द स्ट्रेट, है ना, ऑन द वॉल एट योर आई लेवल, सपोज यू आर फोकसिंग एंड स्टिल यू कैन सी व्हाट इज हैपनिंग ऑन द राइट एंड व्हाट इज हैपनिंग ऑन द लेफ्ट। आप ये पता लगा पाते हो कि दाएं और बाएं क्या हो रहा है, ये आपका फील्ड ऑफ विजन का मेजरमेंट है, जो कि नॉर्मली 180 डिग्री के अराउंड होता है, लेकिन जब दृष्टि बाधा आ जाती है तो ये बड़ा ही रेस्ट्रिक्टेड हो जाता है। तो इस तरह से फील्ड ऑफ विजन रेस्ट्रिक्टेड होता है बच्चे का, और हो सकता है, और विजुअल एक्विटी, ये दो मेजरमेंट खास तौर से हम देखते हैं जब कभी भी बच्चे की दृष्टि बाधा है या नहीं है, इस बात पर गौर करना होता है। तो उसके अलावा क्लिनिकल विजन में जो और दो बातें हैं खासतौर से, एक है कलर विजन। कलर विजन का मतलब ये है कि आप कलर्स को आइडेंटिफाई कर पाते हो, है ना, उनको डिफ्रेंशिएट कर पाते हो कि नहीं बच्चा रंगों को पहचान सकता है, या उनको अलग अलग कर पाता है या नहीं कर पाता है, अलग अलग रंगों की वस्तुओं को छांट सकता है, सॉर्टिंग द ऑब्जेक्ट्स ऑफ डिफरेंट कलर्स एंड ऑर्डरिंग देम इन सर्टेन ऑर्डर। आपको कहा जाए कि इसकी जो शेड है, कई बार आपने देखा होगा एक ही रंग की अलग अलग शेड्स होती हैं, तो क्या उन शेड्स को घटते या बढ़ते क्रम में वो शेड लगा सकता है। इस तरह की कुछ फाइन एक्टिविटीज हैं जो कलर विजन के साथ नॉर्मल जिसका कलर विजन होगा वो कर पाता है, लेकिन जब कलर विजन डिफेक्ट आ जाती है तो फिर जैसे आपको मैडम ने बताया संरचना के टाइम पर कि जो रॉड्स एंड कॉन्स हैं हमारी, है ना, जो खासतौर से कॉन्स हैं, दे आर रिस्पॉन्सिबल टू सी इन द ब्राइट लाइट एंड दे आर आइडेंटिफाइंग डिफरेंट कलर्स। तो अगर उनकी संख्या कम हो या फंक्शनिंग ठीक ना हो तो कई बार ये कलर विजन डिफेक्ट आ जाता है। और यहाँ भी आप देखेंगे खासतौर से लाल और हरे रंग की पहचान में बच्चे को परेशानी होने लगती है, और ऐसे में एक कलर ब्लाइंडनेस, आपने नाम सुना होगा, वो आ जाती है बच्चे के संग। ऐसे एडल्ट लोगों को कई बार ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह देने में ऑब्जेक्शन होता है। तो ये दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज कलर विजन। और उसका जो डिफेक्ट है, इसका मतलब आई एम नॉट एबल टू आइडेंटिफाई द कलर्स, आई एम नॉट एबल टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन द कलर्स, इस तरह की परेशानी बच्चे के साथ हो सकती है। एक चौथी बात जो क्लिनिकल असेसमेंट में है, दैट इज ऑफ कंट्रास्ट। कंट्रास्ट के बारे में मैंने आपको बताया कि विद द बैकग्राउंड, बैकग्राउंड के कलर से ऑब्जेक्ट के कलर में जो अंतर है, है ना, इसकी एक सेंसिटिविटी होती है। मैं आपको बताऊं कि जब बादल के दिन हैं, जिस दिन बादल है और उस दिन यदि कोई हवाई जहाज अंदर से निकल रहा है, तो बादल में हवाई जहाज को पहचानना मुश्किल होगा, क्योंकि दोनों का ही कलर बिल्कुल सेम है। इसी तरह से जब आप व्हाइट ब्लैक बोर्ड पर ब्लैक पेन से लिखते हो तो ये बहुत ही अच्छा कंट्रास्ट होता है। तो ऐसे आप मान के चलो कि ये जो व्हाइट ब्लैक बोर्ड पर ब्लैक पेन से लिखा गया, इसको अगर मैं 100 का मेजरमेंट नाम दूं इसको, और वो जो बादल के दिनों में जो जहाज को ढूंढने वाली बात थी उसको 0 में अगर बोलता हूँ कि कंट्रास्ट वहां 0 है और यहाँ पर 100 है, तो इन बिटवीन कहीं ना कहीं हम और आप लाइक करते हैं। और ऐसा होता है कि जब पुअर कंट्रास्ट होता है, मान लीजिए उसी व्हाइट ब्लैक बोर्ड पर बहुत ही हल्के पीले रंग से आप लिखना शुरू कर दें, तो उन अक्षरों को पहचानना हो सकता है कई बार मुश्किल हो जाए। या आप कभी यदि ड्राइविंग लाइसेंस के टेस्ट में गए हैं तो वहां भी आपको ऐसे इशिहारा टेस्ट वगैरह आपने किए अगर होंगे, तो वहां बहुत ही थोड़ा थोड़ा रंगों के अंतर से बहुत से ऐसे छोटे छोटे गोले बने होते हैं जिसमें कुछ नंबर या कुछ लिखा होता है, आपसे पढ़ने के लिए कहा जाता है। तो वो हमारा
एक तरह से कंट्रास्ट टेस्ट करते हैं कि भाई कितने पुअर कंट्रास्ट या छोटे से कंट्रास्ट में, कम कंट्रास्ट में आप अक्षरों को पहचान पाते हो। तो ये और हमारी एबिलिटी है आंखों की, आपको डॉक्टर साहब ने बताया, ये सब में कई बार कलर विजन हमारा पुअर हो जाता है, डिफेक्ट आ जाती है, और इसी तरह से कंट्रास्ट सेंसिटिविटी भी लॉस हो सकती है, ये वो भी बहुत पुअर हो जाएगा। यानी कि जब कभी भी हम कार्य करने के बारे में सोचेंगे तो बहुत अच्छा कंट्रास्ट अगर होगा तो हम कर पाएंगे। जो आप मोबाइल वगैरह यूज करते हैं तो वहां आपने दो तरह के मोड सुना होगा, लाइट मोड और डार्क मोड। तो वो भी जब बैकग्राउंड व्हाइट होती है और उस पर काले रंग से लिखा होता है तो वो लाइट मोड है, बहुत अच्छा हमको आपको दिखाई देता है। एट द सेम टाइम जब पूरा स्क्रीन लाइट से, मतलब लाइटेड लेटर्स अगर दिखाई दें तो हमारा डार्क मोड है। तो इस तरह से ये बड़े ही अच्छे कंट्रास्ट के उदाहरण है। जब कभी भी हम बच्चे के साथ काम करने की कोशिश करेंगे तो ऐसा एनवायरमेंट बच्चे को देंगे ताकि वो अपनी जो भी वो एकेडमिक एक्टिविटी करना चाहता है वो आसानी से कर सके। ये एक बात थी। दूसरी किस्म का जो असेसमेंट है जिसकी चर्चा ज्यादा मुझे लगता है आपके साथ होनी चाहिए थी, लेकिन आज उसका टॉपिक नहीं है, वो है फंक्शनल असेसमेंट ऑफ विजन। इस पर जरूर मैं चाहूंगा कि कभी दोबारा आपसे चर्चा डिटेल में हो। ये हमारे आपके लिए, टीचर्स के लिए जानना ज्यादा जरूरी है, क्योंकि बच्चा के पास जो कुछ भी विजन है वो उसे क्या काम कर सकता है और क्या नहीं कर सकता है, क्या उसकी इनिशियल स्टेज है, यहाँ से हम शुरू करेंगे और उसको ट्रेनिंग देकर उसकी विजुअल एफिशिएंसी को इंक्रीज करने की कोशिश की जाती है। इस काम से हम और आप ज्यादा जुड़े हुए हैं जितने भी एकेडमिशियंस हैं, और बाकी जो क्लिनिकल असेसमेंट का जो हिस्सा है वो डॉक्टर्स लोगों का काम है, वहां से केवल हम मेडिकल रिपोर्ट मंगवा सकते हैं। हाँ, हमको पता है, इसलिए होना चाहिए क्योंकि हम बच्चे के साथ काम करना चाहते हैं, तो हमें जरूर अगर जानकारी होगी तो हम ज्यादा उसकी हेल्प कर पाएंगे। ये पहली बात थी जो हमें आपसे बतानी थी। दूसरी बात है कि इफेक्ट ऑफ डिफरेंट डिजीजेज ऑन विजन। विजन के बारे में भी आपने बहुत कुछ जाना, बीमारियों की बात थोड़ी हम आपसे करेंगे। देखिए, बीमारियां बहुत सी हमको आपको पढ़ने को मिलेंगी, लेकिन बीमारी कोई भी हो, किसी भी तरह की बीमारी हो, कोई भी नाम की बीमारी हो, उन बीमारियों के जो प्रभाव है बच्चे की विजन पर वो केवल तीन प्रकार के ही पड़ते हैं। वो तीन प्रकार क्या क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। बीमारी कोई भी होगी लेकिन प्रभाव तीन तरह का ही होगा। पहला है सेंट्रल विजन लॉस। सेंट्रल विजन बच्चे का लॉस हो सकता है, और सेंट्रल विजन का मतलब यह है कि आप देखेंगे जहां आप देखते हो, जहां आप देखना चाहते हो वहां आपको नहीं दिख रहा है अगर, तो मैं कहूंगा ये सेंट्रल विजन लॉस है। और दूसरे किस्म का जो प्रभाव है वो है पेरिफेरल विजन लॉस, मतलब कि आपको साइडवेज दिखाई नहीं दे रहा, आपका विजुअल फील्ड बहुत ही रेस्ट्रिक्टेड हो गया है। ये दूसरे किस्म का प्रभाव है आंखों पर, आंखों की एबिलिटी पर, देखने की एबिलिटी पर पड़ता है। तीसरा जो प्रभाव है वो है, दिखाई तो आपको सब जगह देता है लेकिन सभी जगह धुंधला दिखाई देता है, ब्लर्ड विजन, ब्लर्ड विजन। तो ये तीन तरह के दृष्टि पर प्रभाव पड़ते हैं, बीमारी आपकी कोई भी हो। लेकिन फिर भी चूंकि बीमारी की बात चली है तो मैं आपको जरूर बताऊंगा कि सेंट्रल विजन लॉस के किन बीमारियों की वजह से सेंट्रल विजन लॉस होता है। तो उसमें पहला नाम आता है मैक्युलर डिजेनरेशन। मैक्युलर डिजेनरेशन, जैसे कि नाम से स्पष्ट हो रहा है कि मैक्युला इसमें डिजेनरेट हो जाता है, और मैक्युला एज यू नो इज द सेंटर मोस्ट पार्ट ऑफ द रेटिना। रेटिना का सबसे केंद्रीय भाग मैक्युला है, तो वहां आप देखेंगे कि सबसे केंद्रीय भाग चूंकि है इसलिए अगर वो अफेक्टेड होगा, अगर वो डिजेनरेट हो जाएगा तो हमें सेंट्रल विजन लॉस होगा। तो हमको आपको बीमारियों के ज्यादा जो प्रभाव है उन्हीं पर ध्यान रखना है कि इस बीमारी से क्या होगा। अब देखिए, बच्चे का जो मेडिकल सर्टिफिकेट होगा उसमें बीमारी का जिक्र जरूर होगा और ये उसके शैक्षिक प्रभाव आपको मालूम है, तो आप ये अनुमान लगा पाएंगे कि हमारे पास जो बच्चा आया उसके ऊपर क्या प्रभाव पड़ रहा है और हमें इसकी कैसे मदद करनी है। सो मैक्युलर डिजेनरेशन एक बीमारी है जिसकी वजह से सेंट्रल विजन लॉस हो रहा है। उसके बाद दूसरी बीमारी है ऑप्टिक एट्रोफी। आप देखें, इसमें आपको मालूम है कि हमारी एक ऑप्टिक नर्व होती है जो कि हमारी रेटिना जो है, रेटिना से मैसेज को ले जाते हैं पीछे ब्रेन में, ऑक्सीपिटल लोब में, जहां पर मैसेज को हम इंटरप्रेट करते हैं। तो ये ऑप्टिक एट्रोफी की बात कर रहा था कि जो ऑप्टिक नर्व है अगर वो कभी कभी ड्राई हो जाती है, ब्लड सप्लाई ना हो, ऑक्सीजन सप्लाई ना हो, तो वो अपना काम ठीक से नहीं कर पाती। ऐसी स्थिति में देखिए, इमेज तो बनेगी रेटिना पर लेकिन आपने क्या देखा ये इंटरप्रिटेशन नहीं हो पाएगा।
इन द ब्रेन, इन द ऑक्सीपिटल लोब ऑफ द ब्रेन, तो हम फिर भी हमारे पास देखने की एबिलिटी हम नहीं समझ पाते हैं कि हमने क्या देखा। तो ये दूसरी बीमारी है जिस वजह से हमारे पास सेंट्रल विजन लॉस हो रहा है। मैंने आपसे कहा कि मैं आपसे बात कर रहा हूं कि किन बीमारियों की वजह से सेंट्रल विजन लॉस होगा। उसके बाद एक अगला जो इफेक्ट है आंखों के ऊपर वो है पेरिफेरल विजन लॉस, मैंने कि साइड वेज नहीं दिखता, फील्ड ऑफ विजन हमारा रेस्ट्रिक्टेड हो जाता है। इसका मेन कारण, सबसे बड़ा कारण जो है वो है ग्लोकोमा, और ग्लोकोमा जिसको कि हिंदी में काला मोतिया भी कहते हैं। इसके बारे में मैं आपसे बताऊं कि ये आंखों का एक प्रेशर होता है, प्रेशर ऑफ द आई, और आपको बताया गया संरचना के समय पर कि एक है हमारा विट्रोस्यूमस और दूसरा है एक्वस्यूमस, ये दो नाम आपने सुने हुए हैं। विट्रस की क्वांटिटी फिक्स रहती है, एक्वस की क्वांटिटी घटती बढ़ती रहती है, और सिलरी बॉडी में एक्वस बनता है और वहां से वो एक प्रेशर मेंटेन करता है आंख का बाकायदा, और उसके एक आउटलेट भी है जो लगातार बाहर निकलने का भी सिस्टम है। तो अगर ये आउटलेट है ना, ये अगर ये आउटलेट बंद हो जाए किसी वजह से, वो बाहर जो बाहर निकलने का जो रास्ता है वो बंद हो जाए, वहां अगर ब्लॉकेज हो जाए, तो आप देखेंगे कि एक्वस बंद तो लगातार रहा है और आंख का प्रेशर बढ़ जाएगा। तो आपने कई बार बच्चों की बल्जिंग आईज देखी होंगी, जो बाहर निकली हुई आंखें होती हैं, है ना, ऐसे लगता है ऐसे बाहर से निकली आ रही है, तो वो प्रेशर बढ़ गया है, वो बीमारी है ग्लोकोमा। और ग्लोकोमा के कारण, ग्लोकोमा के, देखिए मैं बहुत ज्यादा मेडिकल बातों में इसलिए नहीं जाऊंगा क्योंकि वो डॉक्टर लोगों का काम है। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि ग्लोकोमा का इलाज ऑपरेशन है, वहां ओपन एंगल क्लोज एंगल इस तरह के ऑपरेशन डॉक्टर साहब लोग आपको ज्यादा बताएंगे वहां पर। एक्चुअली कुल मिला के वो जो मैं आउटलेट की बात कर रहा था, जिससे कि हम और आप वो जो एक्वस है उसको निकलने की व्यवस्था कर रहे थे, वहां ब्लॉकेज है, उसको ही हमें हटाना है, तो आप ग्लोकोमा का ऑपरेशन कर सकते हो। तो कोई बात नहीं, वहां ज्यादा नहीं जाएंगे, केवल प्रेशर तक रहेंगे, प्रेशर बढ़ गया तो ग्लोकोमा की बीमारी आई और इस वजह से पेरिफेरल विजन लॉस होगा, यानी कि फिर से हमारा विजुअल फील्ड जो है वो रेस्ट्रिक्टेड होने वाला है। और एक दूसरी बीमारी है रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा, के बारे में आपने खूब सुना होगा। यहाँ पर आप देखें, ये एक हेरिडिटी बीमारी है, पीढ़ी दर पीढ़ी चली आती है। इसमें खास तौर से आपको डिम लाइट में, कम रोशनी में देखना मुश्किल हो जाता है, है ना। आपको मालूम है कि जो हमारे रॉड्स ऑन द रेटिना है, दे आर रिस्पॉन्सिबल टू सी इन द डिम लाइट, और ये हेरिडिटरी क्या होता है कि पीढ़ी दर पीढ़ी जब माँ बाप से आ जाता है बच्चों में, और वो आप देखेंगे कि कुछ उम्र के बाद बच्चे के पास उसकी विजन धीरे धीरे डिटोरिएट होती है ना, धीरे धीरे बच्चा दे विल गो इवेंचुअली ब्लाइंड, बच्चे हो जाते हैं, विजुअली इम्पेयर टोटली हो जाते हैं। तो ऐसी स्थिति को रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा कहते हैं। इससे भी हमारा जो है वो पेरिफेरल विजन लॉस होता है। तो दो बातें मैंने आपको बताई, दो प्रभाव और उनकी बीमारियां। उसके बाद जो तीसरा प्रभाव है वो है ब्लर्ड विजन। ब्लर्ड विजन माने कि धुंधला दिखाई देगा, दिखाई तो सब जगह दे रहा है लेकिन दिखाई देगा धुंधला। तो इसकी बीमारियों के बारे में भी बात करेंगे, और सबसे बड़ी जो कॉजिंग दिस डिजीज है वो है हमारी कॉजिंग दिस इफेक्ट जो डिजीज है वो है कैटरेक्ट। कैटरेक्ट जो है इसको हम मोतियाबिंद बोलते हैं, है ना। मोतियाबिंद के बारे में मैं आपको बताऊं कि ये जो कैटरेक्ट है ये भारत में दृष्टि बाधा का सबसे बड़ा कारण है। ये बात मैं यहाँ क्लियर कर दूं आपको कि बड़े लोगों में, जो लोग अधिक उम्र के हैं, 60-65 प्लस जो लोग हैं, उनके दृष्टि बाधा का सबसे बड़ा कारण कैटरेक्ट है। और जो छोटे बच्चे हैं, बच्चों में दृष्टि बाधा का सबसे बड़ा कारण ज़ेरोप्थैल्मिया है, विटामिन ए की डेफिशिएंसी है। इन दोनों के बारे में भी आपसे डिटेल में बात करेंगे, लेकिन फिलहाल में मैं आपसे कह रहा था कैटरेक्ट एक ऐसी बीमारी है जिससे बच्चे को विजन जो है वो ब्लर्ड हो जाता है। अब ब्लर्ड विजन आप ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे आप सोचिए कि पानी की धारा, एक पानी की पूरी झरना की तरह आपके सामने एक पूरा गिर रहा है, और उसके पीछे की तरफ आप देखें तो जैसा दिखाई देगा वैसा दिखता है ना, धुंधला धुंधला सा दिखता है। इसी के और भी तमाम उदाहरण दिए जा सकते हैं। एक आप पेपर पे थोड़ा सा मस्टर्ड ऑयल को फैला दीजिए, मस्टर्ड ऑयल को आप फैलाएंगे, उसके बाद आप देखेंगे तो फिर आप देखेंगे कि पेपर के पीछे दिखाई देने लगता है लेकिन बहुत ही धुंधला। तो इस तरह से आप ये समझ सकते हैं कि धुंधला दिखना क्या होता है। तो ब्लर्ड विजन हमारा तीसरे किस्म का होने के ये प्रभाव है, जिसका एक कारण है कैटरेक्ट। और भी इसके दो कारण है, और एक है निस्टैग्मस, ये मसल इम्बेलेंस है आई का। आप देखेंगे कई बच्चों की
आई बॉल जो है फिक्स नहीं होती, हर समय ऐसे ऑसिलेट होती रहती है, उसके लिए फोकस करना बड़ा मुश्किल होता है ना। लो विजन बच्चों में ज्यादातर निस्टैग्मस पाया जाता है, और ऐसे बच्चों को आपको पढ़ने के लिए या कोई भी काम करने के लिए ज्यादा टाइम देना पड़ता है। तो ये निस्टैग्मस जो है, जो आई ऑसिलेशन हमेशा होता रहता है, फोकस करना मुश्किल होता है, उन बच्चों को आपको पढ़ने के लिए ज्यादा समय देना होगा। इसी तरह से एक एल्बिनिज्म बीमारी है, फोटोफोबिक लोग होते हैं, आपने देखा होगा कई बार पिगमेंट्स उनके बहुत ही इस तरह के हो जाते हैं कि पूरी बॉडी का ही कलर है ना चेंज हो जाता है, ये भी एक हेरिडिटी बीमारी है। और यहाँ पर भी आपको जो प्रभाव पड़ने वाला है वो है ब्लर्ड विजन का। तो ऐसे बच्चों का हम और आप ध्यान रखेंगे कि ब्लर्ड विजन है, और मैं अभी आपसे चर्चा करूंगा कि ब्लर्ड विजन है तो क्या करना है, सेंट्रल विजन लॉस है तो क्या करना है, पेरिफेरल विजन लॉस है तो क्या करना है, क्योंकि वहां हम जान पाएंगे। सेंट्रल विजन लॉस में बच्चे को पढ़ने में परेशानी होगी, पेरिफेरल विजन लॉस में बच्चे को चलने फिरने में परेशानी होगी, तो आप उन बच्चों के लिए जो भी प्रयास उपाय करेंगे वो अलग अलग किस्म के होंगे। और एक और बीमारी डायबिटिक रेटिनोपैथी, मतलब ये हुआ कि आप समझें कि ये रेटिना पर प्रभाव ड्यू टू डायबिटीज पढ़ने जो जा रहा है उसकी वजह से भी ब्लर्ड विजन हो जाता है। तो ये प्रभाव है तीन तरह के जो मैंने खास तौर से आपको बताया कि बीमारी कोई भी हो लेकिन प्रभाव तीन तरह का ही पड़ेगा। अब जिस तरह से चूंकि आदेश हुआ है आपको बताने का कि भाई बीमारियों की चर्चा हमें करनी है आपसे, तो वो मैं आपके साथ जरूर करूंगा। ये कैटरेक्ट पहली बीमारी जिसके बारे में आपसे कह रहा था कि ये 65+ जो लोग हैं उनमें ज्यादातर होती है, और बड़ी उम्र पर दृष्टि बाधा का मुख्य कारण कैटरेक्ट है, लेकिन बच्चों में भी कभी कभी पाई जाती है। तो ये आपको मेडिकल रिपोर्ट बताएगी कि बच्चे के साथ क्या प्रॉब्लम है। इस बच्चे को रात में देखने में लो विजन की तरह ये बिहेव करता हुआ मिलेगा आपको, और दूरी पर भी देखने में परेशानियां इसको आने वाली हैं, विजन पुअर होगा कैटरेक्ट वाले बच्चे का, और हमें ऐसी परिस्थिति में रेगुलर आई चेकअप कराते रहना चाहिए। ऐसा हो सकता है कि उसकी ग्लास का नंबर बार बार चेंज हो, ये हमको रेगुलर आई चेकअप कराना होगा इन केस ऑफ कैटरेक्ट। और इसका किस वजह से ये हो जाता है, तो कोई इंजरी होगी, कोई चोट वगैरह बच्चे को लगी होगी, गर्भवती माँ को रुबेला बीमारी अगर है तो उससे भी कई बार कैटरेक्ट बच्चों में आ जाता है। और इसके इलाज के रूप में लेंस को जो है, कैटरेक्ट का मतलब ये है कि जो आंख का जो लेंस है वो ओपेक हो गया है, इसको ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, माने लाइट को अंदर जाने देना चाहिए, अगर वो अपारदर्शी हो गया है, ओपेक हो गया है, तो लाइट अंदर नहीं जाएगी तो आप देख कैसे पाएंगे। तो इसका एक इलाज ये है कि ऑपरेशन होगा, है ना, फिर से डॉक्टर साहब लोग ज्यादा इसके बारे में बताएंगे। अदरवाइज हमारे आपके स्तर पर जो काम बच्चे के साथ करना है वो ये है कि बच्चा जहां भी, बच्चे का जो वर्किंग एरिया है, क्लासरूम है या जहां जिस टेबल पर वो बैठा हुआ है, वहां पर देयर शुड बी प्रॉपर लाइटिंग, लाइटिंग बड़ी अच्छी हो। लाइटिंग के बारे में मैं आपसे कहूंगा कि एक तो यूनिफॉर्म लाइटिंग होती है इन द क्लासरूम, सबके लिए एक सी होती है, और दूसरी इंडिविजुअल लेवल पर भी लाइटिंग प्रोवाइड की जा सकती है। तो वहां पर यदि आवश्यक आप समझें कैटरेक्ट वाले बच्चे के संग इंडिविजुअल लाइटिंग अरेंजमेंट भी किया जा सकता है। अब विद द हेल्प ऑफ एडजस्टिंग एडजस्टेबल लैम्प, आपने देखा होगा टेबल लैम्प कई बार ऐसे ऊपर नीचे हो जाता है, तो एडजस्टेबल टेबल लैम्प हो, है ना, तो वहां से भी आप देखेंगे कि बच्चे को जितनी मात्रा में लाइट चाहिए होगी वो आप उसको दे सकते हो। लार्ज प्रिंट हमें उसको देना पड़ सकता है, लार्ज प्रिंट का मतलब आपको मालूम है बड़े छापे का अक्षर, है ना, जो आपने स्नेल चार्ट में देखा कि छोटे अक्षर और बड़े अक्षर, है ना, तो वो एक डेफिनेट साइज के होते हैं, और स्टैंडर्ड जैसे मैडम बता रही थी स्टैंडर्ड किया हुआ होता है, तो उस तरह से आपको देखना होगा कि इस बच्चे के संग कितना बड़े अक्षर ये आसानी से पढ़ पाता है, तो उसी तरह का लार्ज प्रिंट आप बच्चे को उपलब्ध कराएंगे। टेक्निकली लैंग्वेज स्पीकिंग तो N16 to N18 का एक लेटर साइज होता है, उसको लार्ज प्रिंट बोलते हैं। इसके बारे में भी आपको समझने की आवश्यकता है। ये जब हम विजन, एक्चुअली जो विजुअल एक्विटी है वो दो तरह की है, एक फार विजन विजुअल एक्विटी, एक नियर विजन विजुअल एक्विटी। तो नियर विजन विजुअल एक्विटी में ये N5 N8 इस तरह के आपको, है ना, जो न्यूज़पेपर का रेगुलर साइज है, उसके बाद जो हेडिंग है ना, तो बड़े होते हैं छोटे होते हैं अक्षर, ये इस तरह की जानकारी है, ये आपको नियर विजन विजुअल एक्विटी टेस्ट में मिल जाएगी कि इस बच्चे को कितना बड़ा अक्षर चाहिए। तो ये लार्ज प्रिंट हमें बच्चे को उपलब्ध कराना हो सकता है। उसके बाद एक
डिवाइस है, नॉन ऑप्टिकल डिवाइस है, जिसका नाम आपने खूब सुना होगा, टाइपोस्कोप इसे हम और आप बोलते हैं। ये बहुत ही आसान है। एक आप पेपर लीजिए और पेपर में एक पतली सी विंडो ऐसे काट लीजिए और उसको हटा दीजिए वहां से, तो आप देखेंगे वो पेपर जब कभी भी आप किसी टेक्स्ट पर रखेंगे तो टेक्स्ट पूरा बंद हो जाएगा, केवल वो लाइन जो आपको पढ़नी है वो आपको दिखाई देगी। होता यह है कि बच्चे कई बार पढ़ते पढ़ते लाइन जंप कर जाते हैं, है ना, आप एक लाइन पढ़ रहे हैं फिर वहां से आप अगली लाइन में चले गए, है ना, तो कई बार आपका कॉम्प्रिहेंशन पुअर हो जाता है, आप समझ ही नहीं पाते कि मैं क्या पढ़ रहा हूँ। तो ऐसी स्थिति को अवॉइड करने के लिए वी कैन यूज द टाइपोस्कोप, है ना, उसको आप यूज कर सकते हैं। इस तरह के कुछ उपाय आप उस बच्चे के संग कर सकते हैं जिसको कि कैटरेक्ट हुआ है। इसके अलावा आपको डायबिटिक रेटिनोपैथी के बारे में मैंने आपको बात की, तो यहाँ आप देखें ये जैसे कि नाम सजेस्ट कर रहा है, दिस इज द इफेक्ट ऑन द रेटिना ड्यू टू जो डायबिटीज बीमारी है। एक्चुअली डायबिटीज कोई बीमारी नहीं है, डायबिटी ये एक तरह से लक्षण है जिसकी वजह से तमाम बीमारियां हो जाती हैं। तो ये एक कंडीशन है कि जब हम ज्यादा तनाव में रहते हैं, है ना, और बहुत ज्यादा तनाव में रहते समय यदि हमको डायबिटीज हो गई और उसके बाद फिर से हम बहुत मिठाइयां खाते जा रहे हैं तो हमारी वो परेशानियां और ज्यादा बढ़ जाती हैं। अदरवाइज मिठाई खाने का डायबिटीज से संबंध नहीं है, टेंशन वगैरह से ज्यादा है, लाइफ स्टाइल से ज्यादा है। तो यदि डायबिटीज हमको है तो ऐसी स्थिति में उसका प्रभाव रेटिना पर पूरी बॉडी पर पड़ेगा, रेटिना पर भी पड़ेगा, तो रेटिनोपैथी हो जाती है। ये स्थिति बनती तब है जबकि हमारा जो पैंक्रियास है जो इंसुलिन को प्रोड्यूस करता है वो प्रोड्यूस करना बंद कर देता है, है ना। इससे होता यह है कि हमारी जो है रेटिना डैमेज हो जाती है, रेटिना डैमेज होगी, है ना, आईज ड्राई हो जाएंगी और हमारा जो विजन है वो ब्लर्ड हो जाएगा। तो इस तरह की ब्लर्ड होगा, पैची विजन होगा, धब्बे धब्बे हमको यहाँ वहां दिखाई देंगे, डिस्टॉर्टेड इमेजेस होंगी, इमेज जो बनेगी वो मतलब ऐसा बिल्कुल सही क्लियर नहीं बनेगी, और कई बार डिप्लोपिया यानी कि दो दो इमेज भी किसी एक ऑब्जेक्ट की दिखाई दे सकती हैं। तो इस तरह के प्रभाव आप देखेंगे कि बच्चे के व्यवहार में, उसके तमाम एक्टिविटीज में आपको दिखाई देगा। तो आप देखिए जब कभी भी आपको पता चले कि बच्चे को कुछ डिजीज है, बीमारी है, तो हमेशा हम खुद उसके बारे में उसके ना सोचें विचारें बल्कि सीधा डॉक्टर के पास भेजें, वे ज्यादा अच्छा निर्णय करेंगे। इसीलिए मैं आपसे लगातार ये कह रहा हूं कि ये डॉक्टर्स का बीमारियों का मुद्दा है, है ना, हम केवल उसके शैक्षिक प्रभावों तक अपना ध्यान रखेंगे। जैसे ही बच्चे के साथ कोई ऐसी बात समझ में आती है तुरंत हम रेफर करेंगे उस बच्चे को। नेक्स्ट जो बीमारी है वो है ट्रकोमा। कुछ बीमारियों की चर्चा करने की आदेश हुआ है, तो ये देखें, ये ट्रकोमा एक वायरल डिजीज है, वायरस के द्वारा होती है, खासतौर से ड्राई वाटर बोर्न है, ये पानी से होती है। और यदि हमारा जो पानी हम से कई बार आंख धोते हैं या क्या क्या ये जो काम हमारे मतलब वाटर जो यूज हम करते हैं अगर वो डर्टी है ना, वो अगर गंदा है तो कई बार इस तरह के वायरस हमको जो है परेशान करने लगते हैं। और ये आई लेसेस जो हमारी है, जो आंख के ऊपर जो बाल हैं छोटे छोटे, है ना, इनको कई बार इसके ये एक्चुअली ये टर्न अराउंड हो जाते हैं। मैं आपको बताऊं, ये जो हमारे आई लेसेस हैं ये आंख के ऐसे बाहर की तरफ निकले हुए हैं, लेकिन कोई ऐसी परिस्थितियों में, एक उदाहरण आपको बताता हूँ, मान लीजिए कि बहुत ही वातावरण प्रदूषित है ना, धुआं है, क्या क्या है ना, खासतौर से मान लीजिए मैं लेडी हूँ, मैं खाना बना रही हूँ, घर में धुआं बहुत हो रहा है ना, पहले गैस नहीं होती थी, है ना, पहले चूल्हे में खाना बनते थे, ऐसे में बड़ी जलन होती है, खुजली होती है आंखों में, तो लोग बड़ी रबिंग करते हैं, रबिंग ऑफ आइज, और रबिंग ऑफ आइज करने से, आंखों को मलने से वो जिनको आप आई लेसेस बोल रहे हैं वे मुड़ जाते हैं, और वो मुड़ के आपकी कॉर्निया को घिसते, कॉर्निया को रब करते, और कॉर्निया होती है ट्रांसपेरेंट, बहुत ही मैडम ने आपको बताया एक झिल्ली होती है, केवल उसको रब करोगे तो वो ऑपिक हो जाएगी, उसमें घाव हो जाएगा, क्या क्या उसके साथ हो सकता है। तो ये जो है वहां पे तमाम तरह के बॉयल्स हो जाते हैं, है ना, तो बॉयल वो अगली स्टेज में फूट जाएंगे, फिर और वो स्थिति खराब हो जाएगी, है ना। इसकी ट्रकोमा की 4 स्टेजेस है, है ना, चौथी स्टेज में जाते जाते जब स्थिति बहुत ज्यादा पुअर हो जाती है तो फिर ऑपरेशन ही करना पड़ता है, वही उसका इलाज रह जाता है। अदरवाइज फॉर एकेडमिक पर्पस आई एम टेलिंग यू, जब यदि एग्जाम वगैरह में लिखना हो तो मैं आपको बता दूं कि 20% लोक्यूला आई ड्रॉप का इस्तेमाल कर सकते हैं विद द एडवाइस ऑफ द डॉक्टर,
एंड एक ऑइंटमेंट है जिसका नाम है टेट्रासाइक्लिन, वो भी कई बार एडवाइस किया जाता है। फिर मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, प्लीज आप केवल एकेडमिक पर्पस फॉर द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ राइटिंग योर आंसर यू कैन यूज द इन्फॉर्मेशन, अदरवाइज यू ऑलवेज रेफर टू द डॉक्टर्स, हमेशा डॉक्टर्स के पास जाइए कि क्या करना है ना, ये इन्फॉर्मेशन सर ने बताया करके ऐसा यूज नहीं करना है, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। और ये ट्रकोमा में होगा क्या, एजुकेशनल पर्पस से मैं आपको फिर से बताऊं, पॉइंट ऑफ व्यू से चाइल्ड मे नीड अ वेरी गुड कंट्रास्ट, हमको आपको जो करना है इस तरह की यदि सूचना हमको मिलती है कि हाँ अगर इन परिस्थितियों से बच्चा गुजर रहा है तो उसको हम एक गुड कंट्रास्ट की पोजिशन उपलब्ध कराएंगे। गुड कंट्रास्ट फिर मैंने आपको याद दिला दूं कि व्हाइट ब्लैक बोर्ड पे काले पेन से लिखना इज गुड कंट्रास्ट, तो हमें उसको जो राइटिंग या करानी है या रीडिंग करानी है तो रीडिंग में इस तरह का ध्यान रखेंगे, लार्ज प्रिंट होगा, सफेद कागज पे काले अक्षर होंगे, रंग बिरंगे चित्र होंगे, है ना, और पुअर कंट्रास्ट वाला मटेरियल उपलब्ध ना कराएं, छोटा प्रिंट न रखें, है ना। इस तरह से कई बार बच्चे को ग्लेयर बहुत परेशान करती है, तेज रोशनी की चमक पड़ती है, हम जितना देख सकते हैं वे भी नहीं देख पाते, सो वी शुड अवॉइड ग्लेयर्स, और ग्लेयर को अवॉइड करने के लिए फिल्टर्स का इस्तेमाल किया जा सकता है ना, कैप लगा सकते हैं, चश्मा पहन सकते हैं, बहुत सा उपाय नॉन ऑप्टिकल तरीके से हमको आपको करना चाहिए बच्चे के संग, तो बच्चे को ग्लेयर अवॉइड करेंगे, प्रॉपर लाइटिंग देंगे और गुड कंट्रास्ट मटेरियल उसको देंगे ताकि वो अपनी जो भी उसकी एक्टिविटी है खासतौर से लिखने पढ़ने वाली वो उसको वो कर सके। और क्लोज वर्क जो है पास का जो काम है, जैसे पढ़ना हमारा पास का काम है, लिखना है ना। फिर मैं यहाँ आपको बताऊं कि जो हमारे विजुअल टास्क होते हैं वो तीन तरह के होते हैं, एक तो क्लोज वर्क है ना जो बहुत ही पास के, यानी समझो आप एक फिट की दूरी तक, आंखों से एक फिट की दूरी तक के कामों को हम क्लोज टास्क बोलते हैं। उसके बाद मीडिएटेड विजन टास्क, यानी कि उस एक फिट से लेके तीन फिट की दूरी तक के बीच के डिस्टेंस के जितने भी टास्क हैं वे मीडिएटेड विजन टास्क होते हैं। और उसके बाद तीन फिट और दूर से, और जो तमाम दूर से हम और आप एक दूसरे को हाय करना, गाड़ी का नंबर पहचानना, बोर्ड पे क्या लिखा है पढ़ना आदि, ये हमारे डिस्टेंस विजन टास्क होते हैं। तो जितना क्लोज टास्क है, जितना क्लोज वर्क है, फॉर एग्जाम्पल रीडिंग एंड राइटिंग, इसके लिए हम मैग्नीफायर बच्चे को उपलब्ध कराएंगे। मैग्नीफायर का मतलब आवर्धक होता है, और ये लेटर साइज को जो बच्चे को पढ़ना है, जो पुस्तक को पढ़ना है, उसको बड़ा करके दिखाता है। दरअसल बात यह है कि आपसे कहा जा रहा है कि बच्चे को लार्ज प्रिंट दीजिए, लार्ज प्रिंट दीजिए, छोटे बच्चे तक तो गनीमत है, थोड़ा उसको पढ़ना है तो लार्ज प्रिंट आप दे सकते हो, अदरवाइज होगा ये कि कितना आप बड़े अक्षर में मटेरियल को उपलब्ध कराते रहोगे। तो बेहतर ये हो कि आप उसको एक बार में ही एक मैग्नीफायर दे दें, तो आप 20 टाइम्स या 10 टाइम्स जितना बड़ा उसको चाहिए है उतनी मेजरमेंट के अकॉर्डिंग यदि आप मैग्नीफायर उपलब्ध कराते हैं तो बच्चा आसानी से पढ़ पाएगा। तो ये कुछ हमको हल करने हैं, इसके बाद थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। एक अगली बीमारी है रेटिनल डिटैचमेंट। रेटिनल डिटैच हो जाती है, जहां उसको होना चाहिए वहां से हट जाती है। आप देखें होगा क्या, फिर से आप देखिएगा कि रेटिना के ठीक आगे विट्रस है, तो विट्रस का कुछ अमाउंट रेटिना और उसके जो कंस्टिट्यूएंट जो टिश्यूज है, एपिथेलियम टिश्यूज जिनसे वो बनी हुई है, उसमें जाके विट्रस बीच में चला जाता है और वो रेटिना वहां से डिटैच हो जाती है, रेटिना हट जाती है वहां से। तो इस तरह की स्थिति उत्पन्न हो जाती है ना। ये फिर से इसके कारण जो है वो तमाम एक डायबिटीज बनता है इसका कारण है, चोट लगने से ऐसा हो सकता है, अदरवाइज जो मायोपिक चिल्ड्रन है ना, जो मायोपिया की बात पंकज जी ने पिछले दिनों में करी थी, उसके का भी एक ये प्रभाव हो सकता है कि रेटिनल डिटैचमेंट हो जाए। तो परिस्थिति अगर रेटिनल डिटैचमेंट की हो गई है तो होगा क्या, वो हमको आपको समझना है कि बच्चे का फील्ड रेस्ट्रिक्टेड हो जाएगा, यानी कि वो जो विजुअल फील्ड है वो कम हो जाएगा, है ना, चलने फिरने में तमाम परेशानियां होगी, विजन उसका ब्लर्ड होगा, धुंधला उसे दिखाई देगा, और उसकी विजुअल एक्विटी भी पुअर हो सकती है, कम हो सकती है। तो फील्ड भी रेस्ट्रिक्टेड हो गया और एक्विटी भी पुअर हो गई, है ना, विजन भी ब्लर्ड हो गया, यानी सब तरह के प्रभाव आप यहाँ देखने को पा रहे हैं। तो करेंगे क्या, हमें आपको करना यह है कि वी शुड अवॉइड द ग्लेयर, तेज रोशनी से उसको परेशानी होने वाली है ना, तो हमें ग्लेयर उससे दूर करनी है। कई बार आप देखेंगे वर्किंग एरिया में जहां मैं काम कर रहा हूँ, आसपास ही हमारे कुछ ऐसे सर्फेसेस हैं जहां से लाइट बहुत तेजी से रिफ्लेक्ट होती है, तो अगर रिफ्लेक्टिंग सर्फेसेस हैं, फॉर एग्जाम्पल ग्लास वगैरह लगा हुआ है, तो वहां पे काम करना मुश्किल होगा। ऐसे में हम उसको
ग्लेयर को किसी तरह से कम करने की कोशिश करेंगे, वहां कुछ ऐसा पेपर वगैरह लगाएंगे ताकि वो रिफ्लेक्टिंग ना हो, सरफेस रिफ्लेक्टिंग ना हो। उसके बाद जो उसके क्लोज वर्क है, क्लोज वर्क में जरूर उसको डायरेक्ट लाइट चाहिए होगी, इसका हम ध्यान रखेंगे। मैंने आपसे कहा कि जो वर्किंग एरिया होता है वहां पर प्रॉपर लाइटिंग हर समय जरूरी है ना। यहाँ पर एक बात और कही जा रही है कि बच्चे की रेगुलर आई चेकअप कराते रहना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि फिर से एक बार ग्लास के नंबर बार बार चेंज होने की स्थिति आए, क्योंकि आपको बताया कि एक्विटी चेंज हो रही है, एक्विटी बार बार पुअर होती जा रही है। इट मीन्स नंबर जो है वो प्रिस्क्रिप्शन जो है जो ग्लास का वो चेंज होना चाहिए, तो हमें रेगुलर आई चेकअप कराना चाहिए। वी शुड यूज मैग्नीफायर्स और विद द हेल्प ऑफ नॉन ऑप्टिकल एड्स हम बच्चे की सहायता करने की कोशिश करेंगे। एक बात और भी देखें, यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि जो क्लोज कॉन्टेक्ट वाले गेम्स हैं जिसमें कि हमें एक दूसरे से बहुत एक दूसरे को क्लोज कॉन्टेक्ट में आना पड़ता है, इस तरह के गेम्स को भी अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि कई बार बच्चे का चूंकि फील्ड पुअर है, हो सकता है वो चोटिल हो जाए, उसको चोट लग जाए, है ना, यदि हम बहुत ज्यादा इस तरह के गेम्स में उसको इन्वॉल्व करेंगे तो हमें देखना ये है कि बच्चे की कंडीशन ऑफ द विजन क्या है, उसी के अकॉर्डिंग हम उसके साथ अपना ट्रीटमेंट करेंगे, उसके साथ व्यवहार करेंगे कि कैसे क्या करना है। एक और बीमारी की बात करता हूं आपसे, और वो है रेटिनोपैथी प्री मैच्योरिटी। आप देखेंगे कई बार बच्चे प्री मैच्योर पैदा होते हैं, यानी कि वो जो उनका माँ के पेट में जो 9 महीने रहने का उनका समय है वो कम होता है, 7 महीने में कई बार या और भी ज्यादा। प्री मैच्योर जो बेबीज होते हैं वे, या वजन जिनका कम होता है जन्म के समय उनका, या कई बार ऑक्सीजन, आपने सुना होगा कि जन्म के समय ऑक्सीजन सप्लाई पुअर हो गई, ऐसी तमाम परिस्थितियों में बच्चों के साथ ये प्री मैच्योरिटी रेटिनोपैथी की कई बार परेशानी आ जाती है। तो होता है इसमें ये है कि जो रेटिनल डेवलप होना चाहिए प्रॉपर वो अंडर डेवलप्ड रह जाता है, थोड़ा विकसित हो पाता है, कम विकसित हो पाता है। जो लक्षण बच्चे में दिखाई देंगे वो है एक्विटी उसकी पुअर है, सीवियर मायोपिया देखने को मिल सकता है, एची विजन होगा, धब्बेदार धब्बे धब्बे दिखाई देंगे। मायोपिया आपको मालूम है, मायोपिया की चर्चा हो चुकी है, सीवियर मायोपिया आपको देखने को मिल सकता है, विजुअल एक्विटी पुअर हो सकती है, फील्ड भी लिमिटेड हो सकता है ना, और निस्टैग्मस की सिचुएशन भी हो सकती है, तो बहुत आपको कॉम्प्लिकेशन बच्चे में देखने को मिल सकता है। और जो फंक्शनल आपके सामने परेशानियां आने वाली हैं वो ये है कि रीडिंग में बहुत ज्यादा डिफिकल्टी बच्चा महसूस करेगा, तो वी शुड अवॉइड ग्लेयर, वी कैन यूज कॉन्टेक्ट लेंसेज यदि हो सके ताकि बच्चे का जो एक्विटी है उसको ठीक किया जा सके, है ना। फिल्टर्स टू अवॉइड ग्लेयर, फिर से एक बार ग्लेयर बार बार बच्चों को परेशान कर रही है, तो हम कुछ ऐसी परिस्थिति करेंगे ताकि वही जो रिफ्लेक्टिंग सर्फेसेस हैं उनसे जो ग्लेयर उत्पन्न हो रही है लाइट की वजह से, क्योंकि आपको कहा कि इंडिविजुअल लाइटिंग देनी है, प्रॉपर लाइटिंग देनी है, लाइट यानी ज्यादा देना है। और अगर वो लाइट, जैसे मान लीजिए जिस पेपर पे मैं लिख रहा हूँ, कई बार वो पेपर ही बड़ा रिफ्लेक्टिंग होता है, तो ऐसा होगा तो पेपर ही हमारे लिए ग्लेयर प्रोड्यूस करेगा, तो पेपर भी जो हम यूज करेंगे बहुत ज्यादा ऐसा नहीं होना चाहिए। देन इस बच्चे में आपको डेवलपमेंटल डिले देखने को मिल सकती है, और कुछ आपको साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स भी देखने को मिल सकती हैं, तो वहां आपको काउंसलर्स की हेल्प लेनी होगी कि भाई इसके साथ हमें कैसे हेल्प करनी है, कैसे उसकी मदद कर सकते हैं। फिर मैं आपको बताऊं कि हर समय समस्या को स्वयं हल ना करके कई बार लोगों की राय लेनी चाहिए, क्योंकि हर फील्ड के एक्सपर्ट्स हमारे पास मौजूद होते हैं, डॉक्टर्स होते हैं, काउंसलर्स होते हैं, टीचर्स हम और आप हैं, तो हमें उसकी सब लोगों से मिलजुल कर ये मदद करनी है। एक बीमारी जो मैं आपसे कह रहा था कि जो बचपन में दृष्टिबाधा का सबसे बड़ा कारण है, दैट इज विटामिन ए डेफिशिएंसी, इट इज आल्सो कॉल्ड ज़ेरोप्थैल्मिया। इसमें आप देखेंगे कि आईज ड्राई हो जाती है बच्चे की, है ना, और ये सबसे बड़ा कारण है जो छोटे बच्चों में दृष्टिबाधा का। और ये कई बार हमारा जो डाइट है यदि वो पुअर ना हो, कई बार माँ की भी यदि अच्छा उसको कुपोषण की शिकार रही है, अच्छा खाना पीना नहीं मिला है, तो बच्चे में हो सकता है। तो और बच्चे के भी अपने खाने में आप देखें कि कैरेट, पपाया यानी कि गाजर, पपीता, आम, दूध, है ना, और अंडा, इस तरह की कुछ उसको सप्लीमेंट्स दिए जा सकते हैं ताकि वो जो उसकी
जो कमी है, डेफिशिएंसी है, जो उसको पूरा किया जा सके। विटामिन ए डेफिशिएंसी के कारण ये बीमारी हो रही है, इससे हो ये रहा है, इसका प्रभाव लक्षण क्या पड़ रहा है कि जो कम रोशनी में बच्चा देख नहीं पा रहा है। और एक पिछले दिन भी किसी ने चर्चा में सवाल पूछा था, उसकी अभी तक चर्चा नहीं हो पाई कि आंखों में ये जो व्हाइट पार्ट है, ब्लैक के आसपास जो व्हाइट पार्ट है, उसमें कभी कभी येलो है ना, ऐसे स्पॉट्स दिखाई देते हैं, तो वो विटोट्स स्पॉट होते हैं, उनकी उसकी वजह भी ये हमारी विटामिन ए की डेफिशिएंसी है, उसको भी हम दूर कर सकते हैं। जो हम और आप को करना ये है कि बच्चे को गुड कंट्रास्ट के संग स्टडी मटेरियल प्रोड्यूस कर उसको देना है, प्रोवाइड कराना है। तो हर समय सफेद कागज पे काले पेन से लिखेंगे, द बेस्ट कंट्रास्ट यूज करेंगे, और बच्चे के संग फिर से ग्लेयर जो उसको बहुत परेशान कर रही है उसको अवॉइड करने की कोशिश करेंगे। मैं आपको बताऊं कि इन सब बीमारियों की चर्चा और उनके शैक्षिक प्रभावों की चर्चा करने के संग संग एक बात और मैं आपको बताना चाहता हूं, वो ये है कि बच्चे की विजन जो उसके फैक्टर्स अफेक्टिंग हैं, कि किन किन कारणों से बच्चे की विजन प्रभावित हो सकती है, वे उनकी चर्चा मैं आपके साथ कर लूं, दो मिनट का समय। जी, तो मैं कह रहा था कि फैक्टर्स अफेक्टिंग जो विजन है उसमें एक साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, यानी कि वो जो ऑब्जेक्ट है जिसको हम देखना चाहते हैं या पढ़ना चाहते हैं उसका कितना बड़ा आकार है, ये एक पहला फैक्टर है। उसके बाद डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट, वो ऑब्जेक्ट हमसे कितनी दूरी पर है, ये दूसरा फैक्टर है। तीसरा फैक्टर है कलर ऑफ द ऑब्जेक्ट, उस वस्तु का रंग जो हम जिसके साथ हम देखना चाहते हैं या काम कोई करना चाहते हैं। तो साइज, डिस्टेंस, कलर, और चौथा है कंट्रास्ट, जिसकी बात हो चुकी है कि जिस बैकग्राउंड में वो रखा हुआ है उससे उस वस्तु के रंग में कितना अंतर है ना। आपको मालूम है कि जो कांच की प्लेट होती है उसमें यदि आप बने हुए चावल रखिएगा तो दिखाई नहीं देंगे कि चावल कहाँ रखे हुए हैं, लेकिन यदि वही स्टील की प्लेट हो या कलर्ड जो आपका चीनी मिट्टी का प्लेट हो तो वो दूर से दिखाई देंगे। तो मतलब ये हुआ कि जैसे ही गुड कंट्रास्ट आप दोगे तो देखना आसान हो जाता है। तो कंट्रास्ट और लाइटिंग, लाइट अरेंजमेंट, प्रॉपर लाइटिंग अरेंजमेंट होनी चाहिए, ये कुछ फैक्टर्स अफेक्टिंग हैं बच्चे के विजन। इन पर हम और आप ज्यादा ध्यान देंगे कि लेटर का साइज कितना बड़ा हो, कितनी दूरी पर बच्चा बुक को रखे, उसके लिए रीडिंग स्टैंड यूज कर सकते हैं, पास में ले आए बच्चा अपनी बुक को, क्योंकि अगर उस पर झुकेगा तो सिर में दर्द जल्दी होगा, गर्दन में दर्द होगा, पोस्चर खराब होगा, है ना, तो विजुअल फटीग जल्दी हो जाएगा उसको। इन सब बातों पर हमें ध्यान रखना है। तो पोजीशन ठीक रखनी है, रीडिंग स्टैंड यूज कर सकते हैं, लाइट इस्तेमाल जो हो रही है उस पर ध्यान देंगे, है ना, और सीटिंग अरेंजमेंट पर भी हम ध्यान दे सकते हैं कि बच्चे को बैठाना कहाँ है। कई बार आप देखेंगे कि दृष्टिबाधित बच्चे के संग यूं ही लोग कहने लगते हैं कि उसको आगे पहली रो में बिठाइए। पहली रो में कई बार जरूरी नहीं है कि हर बार ये आपकी मदद करने वाला है। कई बार यदि मान लीजिए उसका फील्ड रेस्ट्रिक्टेड है और बोर्ड जो है वो बड़ा है ना, फ्रॉम टीचर्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट लिखते चले जा रहे हैं, उसका विजुअल फील्ड कम है, उसे कम दिखाई दे रहा है, तो ऐसे में आप देखेंगे अगर बच्चे को पीछे बैठाया जाए, बैक रोज में दिखाया जाए, तो उसका वो जो फील्ड है वो बड़ा हो जाता है। एक्चुअली ये जो फील्ड ऑफ विजन है ये कॉनिकल शेप में बढ़ता है, पास में छोटा दिखता है और जैसे जैसे आप पीछे जाओगे बड़ा होता जाता है। तो जरूरी नहीं है कि हर समय आपको आगे बैठाना ही एडवाइजेबल होगा, बल्कि बच्चे की जो कंडीशन है विजन की उसके अकॉर्डिंग आप डिसाइड करोगे कि उसको कहाँ पर बैठाना है। उसके अलावा जो आप कुछ काम करने वाले हैं वो नॉन ऑप्टिकल डिवाइसेस, टाइपोस्कोप, लार्ज प्रिंट और फेल्ट टिप्ड पेन, ये सब इस्तेमाल करेंगे, तो आप देखेंगे कि कोई कारण नहीं है कि बच्चा आपका जो एकेडमिक रीडिंग राइटिंग है वो ना कर सके। मैग्नीफायर्स इस्तेमाल किए जा सकते हैं, मैग्नीफायर्स मैंने आपको बताया ये आवर्धक है, बड़ा अक्षर करके दिखाते हैं। एक आपने नाम सुना होगा क्लोज सर्किट टेलीविजन, सीसीटीवी, सीसीटीवी का प्रयोग भी हम और आप कर सकते हैं। और सीसीटीवी ये एक टीवी है, उसमें कैमरा होता है, नीचे आप अपनी बुक को रखेंगे, उसकी वो फोटो खींच के आपको स्क्रीन पर देगा, बड़ा करके दिखाएगा, आप जितना चाहें बड़ा कर लीजिए, है ना, वहां पे आपको डार्क मोड, लाइट मोड सब कुछ अवेलेबल है। तो जैसा आप चाहें, बच्चे की कुल मिला के विजुअल एफिशिएंसी इंक्रीज करनी है, ये मुझे आपको बताना था। तो मैं आपसे ये कहूंगा विनोद जी, फिर से आपका ध्यान चाहूंगा, मुझे अपनी तरफ से जो बात बतानी थी
वो पूरी हो गई है, यदि आपको कुछ कहना हो। तो आज यह कार्यक्रम जो संचालित किया गया था NIPBD द्वारा, तो वो एक वेबिनार की श्रृंखला का एक हिस्सा था, जिसमें हम लोग एक प्रयास कर रहे हैं अपनी संस्थान की ओर से कि हम किस प्रकार से अलग अलग कैटर्स ग्रुप के साथ हम काम कर सके। तो जो BEd और MEd या जो टीचर एजुकेशन प्रोग्राम्स जो इंक्लूसिव एजुकेशन या स्पेशल एजुकेशन के फील्ड में भावी शिक्षक तैयार हो रहे हैं, उनके लिए जो एक वेबिनार की श्रृंखला है उसकी उसका जिम्मा लिया है डॉक्टर विनोद कुमार केन्सर ने, और उनकी अगुवाई में इस कार्यक्रम को पूरे अच्छे से चलाया जा रहा है। और इसके मार्गदर्शन के लिए हमारे बीच और इनको इनको सोच बनाने वाले डॉक्टर हिमांशु दास सर हैं। मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने अपने एक एक मार्गदर्शन में इस तरह के वेबिनार की श्रृंखला आयोजन का हमें अवसर दिया है। और इस श्रृंखला को कुशलता से निर्वहन करने के लिए मैं डॉक्टर विनोद कुमार केन साहब का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने अपनी जो एक कुशल नेतृत्व की क्षमता, उनमें एक अद्भुत सी क्षमता है, उसका पूरा प्रयोग किया है। और मैं देख पा रहा हूँ कि एक बड़े स्तर पे लोग जुड़ रहे हैं इस वेबिनार्स में। इस श्रृंखला की आज ये दूसरा वेबिनार था और इसमें भी कई लोग जुड़े हमारे बीच। और यह जो एक विषय था, महत्वपूर्ण विषय है, जहां पर हम विजुअल इम्पेयरमेंट्स के टाइप पर और जो हमारे विजुअल इम्पेयरमेंट है उनके काउसेस पे हम बात कर रहे हैं। आज हमारे बीच दो रिसोर्स पर्सन, बहुत महत्वपूर्ण रिसोर्स पर्सन थे हमसे जुड़े हुए, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। पहले रिसोर्स पर्सन के रूप में हमारे बीच थी डॉक्टर गीतिका माथुर मैम, जो लंबे समय तक इस NIPBD में अपनी सेवाएं दी। हाल में ही उन्होंने VRS लेकर के हम लोगों से दूर गई हैं, मगर वर्चुअली मैडम हम लोगों से हमेशा कनेक्टेड हैं, और मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ इस अवसर पे उनका साथ देने के लिए। मैं इसके अतिरिक्त मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ सुदीप दुबे सर का, जो बहुत ही ज्ञानी है। मैं उनके सानिध्य में मुझे काम करने का अवसर मिला है, मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और इसके साथ साथ सभी जो प्रतिभागी हैं वह भी धन्यवाद के काबिल हैं, और क्योंकि इतने इंटरेस्ट के साथ हमारे बीच जुड़ रहे हैं। मैं देख पा रहा हूँ चैट बॉक्स में लगातार प्रश्न भी पूछे जा रहे हैं और चीजों को इंटरेक्ट कर रहे हैं। तो मैं बहुत ही कुशलता से आज कार्यक्रम संचालित हुआ। सुदीप दुबे सर ने काफी आगे बढ़कर के चीजों को बताया, बहुत बारीकी से बायोलॉजिकल जो एस्पेक्ट भी है उनको व्याख्या की है। इस कार्यक्रम के लिए सभी का बहुत धन्यवाद, क्योंकि आप सभी के सहयोग से यह कार्यक्रम सफल बनता है। मैं पुनः सबका धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू पंकज, थैंक यू सो मच, थैंक यू टू एवरीबॉडी।